So what are we going to do today? Friction continue करेंगे, friction को खत्म भी करेंगे most probably, okay? Friction. I guess session number 10 है हम लोग का laws of motion वाला, I guess so. ठीक है? NLM 10. I told you बड़ा chapter है. चलो recap. Suppose a block of mass 1 kg, okay, is placed over a rough surface. And a horizontal force F is applied on the block as shown in figure. ये block रखा, force लगा दिया, horizontal force लगा दिया. ठीक है, 1 kg का block है, 1 kg. Let us see what are the values of force of friction F and acceleration, yes, of the block if force F is gradually increased. ये जो force F है ना, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे हम लोग. और क्या दे रखा है, म्यू एस दे दिया, म्यू के दे दिया, जी का वैल्यू एन दे दिया. ओके, सबसे पहले स्टेप नंबर वन, व्हाट डू वी डू गाइस, वी फाइंड आउट व्हाट, यस कम ऑन, फोर्स लिमिटिंग, लिमिटिंग फोर्स जिसका वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू एन. वेरी गुड, म्यू एस कितना है 0.5 इंटू एन कितना है, यहां देखो बैलेंस करेंगे नीचे की तरफ एम जी, है ना, नीचे की तरफ एम जी ऊपर की तरफ एन, तो एन इज इक्वल टू एम जी, तो यहां मैं लिख देता हूं एम जी. 0.5 इंटू 1 इंटू 10 विच इज नथिंग बट बच्चो 5 न्यूटन. ओके, अब क्या करने वाले हैं, अब ना हम एक छोटा सा टेबल बनाते, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना. ओके, सेम रिपीट कर रहे हैं सारी स्टोरी. ओके, एक्सटर्नल फोर्स एफ, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ, नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना, एक्सिलरेशन है ब्लॉक का, ये चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यस yes? और उसके बाद में उसका नेट मोशन डायग्राम बना देते हैं, यस, विच फ्रिक्शन इज एक्टिंग, विच फ्रिक्शन ये भी डाल देते हैं, विच फ्रिक्शन. What can you say about the motion of the body? Tendency of motion है, rest पे है, motion में है, क्या scene चल रहा है, ये सब भी आपको बताना, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि मैंने उसके ऊपर force लगाया बच्चों 0 न्यूटन, 0 N, on नहीं है वो, okay? It is 0 न्यूटन, मतलब क्या है? देखो, अच्छा चलो diagram को मैं यहाँ बनाता हूँ, okay? ये motion हटाते हैं, यहाँ diagram बनाते हैं. So this is my diagram. ओके, मैंने इसके ऊपर लगाया 0 न्यूटन का फोर्स. अगर फोर्स 0 न्यूटन है तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, कम ऑन फटाफट, फ्रिक्शन विल बी जीरो, तो फ्रिक्शन भी रहेगा 0. वेरी गुड, नेट फोर्स कितना रहेगा 0, एक्सिलरेशन कितना रहेगा 0, भाई एक्सिलरेशन भी कुछ नहीं होगा. वेरी गुड, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इट इज, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या क्या होने वाला है बच्चों, यहां पे होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, एंड देर विल बी नो मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, कुछ भी नहीं, है ना, ना ही मोशन है ना ही टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ये प्योर प्योर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट रहेगा. चलो फोर्स को ना बच्चों थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2 न्यूटन. अगर फोर्स 2 न्यूटन हो गया, यस, इसके ऊपर 2 न्यूटन, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, कम ऑन, 2 न्यूटन. अरे फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन होगा ना, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन होगा. वेरी गुड, एफ नेट कितना होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास व्हिच इज 0, व्हिच इज 0. क्या, व्हिच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इट इज, अभी भी ये रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड बच्चों व्हिच टाइप ऑफ मोशन इट इज, टेंडेंसी ऑफ मोशन रहेगा या क्या रहेगा, नाउ उसके ऊपर आ जाएगा टेंडेंसी ऑफ मोशन. अब वो थोड़ा थोड़ा उसका टेंडेंसी हो रहा है मोशन का. चलो 4 न्यूटन फोर्स कर देते हैं यहां पर. नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 4 न्यूटन, तो मुझे जल्दी से बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, 4, है ना, फ्रिक्शन विल आल्सो बी 4 न्यूटन. नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, एंड द फ्रिक्शन एक्टिंग इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड यहां पर भी टेंडेंसी ऑफ मोशन है, फोर्स बढ़ रहा है ना, कोई तो उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है,
सही बात। अब कर देते हैं इस फोर्स को बच्चों 5 न्यूटन। अब अगर ये फोर्स हो गया 5 न्यूटन तो जल्दी से बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? 5। कम ऑन, यस 5 न्यूटन। यस, 0 0 स्टैटिक एंड क्या वो मूव करेगा? नॉट रियली। यस, अभी भी उसकी रहेगी टेंडेंसी ऑफ मोशन। अब फोर्स को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, करते हैं 6 न्यूटन। यस, जब फोर्स हो जाएगा 6 न्यूटन तो जल्दी से बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? 5। जल्दी से बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? 5 न्यूटन। जल्दी से बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? इतना होगा। अरे वो तो मोशन में आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। जब सर एग्जैक्ट नहीं बता सकते बट 5 से थोड़ा कम होगा। अरे एग्जैक्ट बता सकते हैं, ये देखो म्यू के की वैल्यू दे रखी है ना, म्यू के। अच्छा सर वो देखा नहीं। तो 0.4 × 1 × 10 दैट इज नथिंग बट 4 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा बच्चों 4 न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पर। और क्या अभी मोशन है? अच्छा ये कितना? 4 न्यूटन। नेट फोर्स बताओ? नेट फोर्स रहेगा 2 न्यूटन इधर की तरफ। 2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 / 1, 2 m/s² और वो ऑब्जेक्ट अभी प्रॉपर 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 मोशन में रहने वाला है, ठीक है ना। इससे ज्यादा अगर आप बढ़ा दो तो भी सेम चीज कंटिन्यू हो जाएगी, एक्सिलरेशन बढ़ता जाएगा। अभी भी ये तो 4 न्यूटन ही रहेगा। फिक्स्ड होता है जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, इट इज फिक्स्ड, है ना। यहां पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। नेट फोर्स कितना होगा? 8 - 4, 4 न्यूटन इधर की तरफ। एक्सेलरेशन कितना होगा? 4 / 1, 4 m/s² और ऑब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों मोशन में, है ना। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेयर एज ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग, वो चेंज होते रहता है अप टू एफ लिमिटिंग। उसका एक लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, वहां तक वो चेंज होते रहता है। और हमने एक और चीज देखी थी, रिकैप के लिए बता देता हूं, इसका ग्राफ, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, कब तक? लिमिटिंग वैल्यू तक। उसके बाद में अप्लाइड फोर्स विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा ग्राफ बनता है बच्चों? ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन अप टू एफ लिमिटिंग तक, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हल्का सा ड्रॉप करेगा और फिर ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर चालू हो जाता है मोशन, यहां पर होता है रेस्ट, ठीक है। दिस वॉज द कंप्लीट रिविजन ऑफ यस्टरडेज मेन टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। एवरीबडी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? क्या करना था यहाँ पे, ठीक है। बोल रहे अलग अलग ग्रेजुअली इंक्रीज करो फोर्स को, तो हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया और चेक किया क्या हो रहा है। आ जाओ अगला सवाल करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करेंगे। इंक्लाइन स्टार्ट कर चुके थे हम कल। अ 6 kg ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड रफ सर्फेस एज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू। ओके, फिगर को देख लो, 6 kg का ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ एक एफ फोर्स लगा दिया, म्यू एस दे दिया, म्यू के दे दिया, एंगल 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। फाइंड एफ टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ब्लॉक को बच्चों मुझे स्टेशनरी रखना है, ब्लॉक मूव नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नीड्स टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी अगर होना चाहिए तो मैं ब्लॉक का यहाँ छोटा सा FBD बना देता हूं, कुछ इस तरह से। यहां पर कितना फोर्स? एफ। नीचे की तरफ कितना फोर्स जल्दी बताओ? 6g sin 60, सही बात है, 6g sin 60। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ 6g cos 60, वेरी गुड, है ना। ऐसे चार फोर्सेस उस पे एक्ट करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 6g cos 60 विच इज नथिंग बट 60 × 1/2 विच इज 30 न्यूटन। ओके, निकाल के रखते हैं, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नाउ ब्लॉक नीड्स टू बी स्टेशनरी,
ब्लॉक नीड्स टू बी स्टेशनरी, तो क्या होना चाहिए, दिस फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय 6g sin 60। अरे तभी तो ब्लॉक स्टेशनरी होगा ना, नहीं तो ब्लॉक स्टेशनरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ब्लॉक स्टेशनरी होने के लिए F should be equal to 6g sin 60। तो बच्चों F is equal to 6 × 10 × sin 60 is √3/2, which is 3 × 10 = √3 N। जब F की वैल्यू होगी 30√3, तब जाकर के वो बैलेंस हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? Everybody, है ना? This will come out to be approximately 30 × 1.732, वो आप कैलकुलेट कर लेना, इतना न्यूटन। Now बोल रहे है, move the block downwards with a constant velocity। अब ना ये फोर्स कितना होना चाहिए कि वो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। आ जाओ फिर से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ये यहां पर है हमारा 6 kg का ब्लॉक। बच्चों यहां पर लगाया गया है फोर्स F, यहां पर लगाया गया है 6g sin 60। ओके, इधर की तरफ 60 cos 60 एंड ऊपर की तरफ है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड। क्या करे, है ना, ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है। इसका मतलब क्या? चलो कम ऑन, क्या करें? ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है। यस, मतलब देखो मैं इस फोर्स को हटा दूं अभी के लिए, है ना, अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या ब्लॉक स्टेशनरी होता? No, तो क्या ब्लॉक स्टेशनरी होता? नहीं होता। ब्लॉक किधर की तरफ मूव कर रहा होता बच्चों? नीचे की तरफ मूव कर रहा होता। अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होता तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाता? जी हाँ, है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग जाता। क्या ये फ्रिक्शन फोर्स उसको काफी है रोकने के लिए? नहीं है रोकने के लिए। है ना, तो वो बोल रहा है कि इट शुड मूव डाउनवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नीचे की तरफ मूव करना चाहिए विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या वो नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा? नहीं, किसी एक्सीलरेशन से जाएगा। अगर एक्सीलरेशन से जाएगा ना, यस गाइस, ये देखो ये ब्लॉक को मैं ऐसे छोड़ दूं तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होता है जी, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा? जी साइन 60 एक्सीलरेशन से वो नीचे की तरफ काइंड ऑफ जाएगा। Yes? हाँ, नेट फोर्स वगैरह निकाल के हम लोगों कर लेंगे, बट किसी ना किसी एक्सीलरेशन से वो यहाँ जाएगा। एक्सीलरेशन से जाएगा मतलब क्या? उसका स्पीड इंक्रीज होता होता नीचे जाएगा, इंक्रीज होते होते नीचे जाएगा, है ना। क्या सबको ये चीज समझ में आई कि वो उसका स्पीड इंक्रीज करते करते नीचे जाने वाला है? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, हम क्या चाहते हैं कि उसका स्पीड इंक्रीज ना हो, मतलब उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाए। यस, उसका स्पीड इंक्रीज ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इधर की तरफ एक फोर्स लगा देंगे। हम लोग ऊपर की तरफ बच्चों एक फोर्स लगा देंगे। क्या हो रहा है देखो ना, सीधी सी बात है, ये नीचे की तरफ फिसलते जा रहा है बहुत फास्ट, स्पीड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अरे इट इज लाइक दिस ना, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से एक पत्थर छोड़ो तो नीचे आते आते उसका स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। आप क्या चाहते हो ना कि ये पत्थर नीचे आए, ठीक है नीचे तो आना चाहिए, लेकिन उसका स्पीड इंक्रीज ना हो। यस, तो मैं क्या करूंगा ना, यहां से इसको एक रस्सी से बांध दूंगा। अब मेरे कंट्रोल में है कि मुझे उसको किस तरह से नीचे नीचे छोड़ना है, मतलब मैं ऊपर से उसको एक ऐसे पकड़ के रखूंगा ताकि वो ये फोर्स कितना होना चाहिए बच्चों, जो उसका इंक्रीज इन स्पीड को कैंसल आउट कर रहा है ना, जो उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना नीचे, उसको कैंसल आउट करना चाहिए, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक उल्टा फोर्स लगा रहा हूं, यस, जिससे उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, वो नीचे तो जाए लेकिन उसका स्पीड ना बढ़े, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। क्या सबको ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी 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 पक्का? यस, तो आप कर लो फिर बैलेंस यार, है ना। अब इट शुड गो डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या मैं बोल सकता हूं F + f = 60 sin 60।
यस देखो वर्टिकल वो ये नीचे वाला ऊपर वाला मोशन को मैंने बैलेंस कर दिया सिर्फ और क्या. क्लियर है? वेरी गुड. हमको चाहिए बच्चों एफ का वैल्यू, तो एफ इज इक्वल टू 60 साइन वैल्यू डाल देते हैं साइन 60 का इंटू रूट 3/2 माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा विच इज म्यू एन. कौन सा फ्रिक्शन लिया जाए, स्टैटिक की काइनेटिक? यस स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन. देखो तो जरा वैल्यू किसकी दे रखी है. अरे वाह दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू दे रखी है ना. तो कौन सी वैल्यू लू मैं, म्यू एस ले लू या म्यू के ले लू और क्यू? रीजन भी बताना पड़ेगा आपको. कम ऑन टेल मी क्या करें. सर यहाँ पे उसका मोशन हो रहा है तो म्यू के. अच्छा मोशन हो रहा है इसलिए म्यू के. ओके एनीबॉडी एल्स? वो बोल रहा है मोशन हो रहा है इसलिए म्यू के, मोशन हो रहा है इसलिए म्यू के. मुझे ऐसे लगता है म्यू एस ले लेता हूं. रीजन बताओ. 60 ये हो जाएगा बच्चों 30 root 3 माइनस 0.6 इंटू एन, एन की वैल्यू है 30. यस तो ये हो जाएगा 30 root 3 माइनस 18 है ना. जो भी आंसर आएगा यार ये तो अब आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है 30 into 1.732 माइनस 18 माइनस 18. ठीक है ये होगा आपका आंसर कि जब मैं यहां पर इतना फोर्स लगा दूंगा तब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा है ना. तब उसका दो फोर्सेस बैलेंस होने वाले हैं. कितना फोर्स लगाया जाए कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए. मैंने आपसे एक सवाल पूछ रखा है कि यहां पर म्यू एस क्यू लिया, उसका जवाब आपको देना है. दो मिनट सोच के दो तो भी चलेगा. मीनवाइल सब कुछ समझ में आया अपार्ट फ्रॉम म्यू एस क्यू यूज किया एवरीबडी. यस अच्छा आप तीसरा सवाल देखो. मूव द ब्लॉक अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4. अब उसको ऊपर की तरफ मूव करना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4. 4 का एक्सेलरेशन से उसको ऊपर मूव करना है. तो पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन आ जाओ. फिर से सेम डायग्राम बनेगा. नीचे की तरफ 60 साइन 60 जा रहा है, इधर की तरफ 30 न्यूटन और बच्चों ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है ना. अब मुझे बताओ यहां कितना फोर्स लगाया जाए यस कि वो ऊपर की तरफ मूव करे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Everybody, how do we solve this? Come on. Minus 60 sine 60 plus friction is equal to ma. एक सेकंड. वापिस बोलो. क्या लिखे? अच्छा चलो पहले तो. Friction किधर act करेगा? अभी तो वो ऊपर अब बोला है ना. Going up बोल रहा है ना. Upwards with an acceleration of 4 meter per second. है ना? तो ऊपर की तरफ जा रहा है with an acceleration of 4 meter per second square. हाँ तो बताओ सर नीचे एक्ट करेगा. नीचे एक्ट करेगा. एक काम करते हैं यार. माय मिस्टेक आई एम सॉरी. यहाँ पे होना चाहिए म्यू के ही होना चाहिए यार. म्यू के इनटू एन है ना. प्रॉपर मोशन में आ चुका है वो. आप म्यू के इनटू एन ही लेना पड़ेगा. म्यू के का क्या वैल्यू था? म्यू के का क्या वैल्यू है? 0.4. Yes. तो यहाँ हम लेंगे 0.4 into normal reaction 30. Yes. 3 4s are 12 newton. तो यहाँ पे -12. जो भी आंसर आएगा आपका वो रहेगा है ना. चलो क्लियर है क्या सबको? पक्का समझ में आया? पक्का पक्का. ओके चलो. वही रीजन है ना कि मोशन में. यस कंप्लीट मोशन में आ चुका है वो. कंप्लीट मोशन में आ चुका है वो है ना. इसलिए ठीक है. यस टेल मी क्या करे. फ्रिक्शन किधर आने वाला है? यस सर 60 साइन 60 किधर? इधर नीचे की तरफ फ्रिक्शन है ना इज इक्वल टू म्यू एन. फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन. कौन सा फ्रिक्शन लेंगे? यहां पर भी मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ तो म्यू के. ये इसी पे से मैं समझ गया कि अच्छा ऊपर भी यही होना चाहिए था राइट. चलो फिर क्या करे है ना. एफ नेट क्या हुआ
तो फोर्स माइनस 60 साइन 60 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. परफेक्ट. एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. कौन बड़ा? एफ बड़ा. तो एफ नेट क्या होगा? एफ माइनस 60 साइन 60 माइनस म्यू के इंटू एन. म्यू के इंटू एन माइनस नहीं इक्वल टू मास है इसका 6 के जी इंटू एक्सेलरेशन इज 4. बच्चों यहां से सॉल्व करोगे तो आपको एफ का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल द बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंक्लाइंड मोशन कि इंक्लाइंड मोशन में क्या है. सबसे मेन है सेकेंड वाला. यस कि यार उसको मूव नहीं होने देना है. यस इसीलिए फोर्स लगाया. मान लो ये फोर्स अगर मैं नहीं लगाता तो शायद वो नीचे की तरफ मूव हो रहा होता है ना. इसीलिए तो बोला है कि इधर की तरफ फोर्स लगाया जाए ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव. पहले भी मूव हो रहा है अभी भी मूव हो रहा है लेकिन पहले एक्सेलरेशन से मूव होगा क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन होगा. अब वो बोलना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाए. स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाए तो किसी को यहां से उसको पकड़ना पड़ेगा विद सम फोर्स एफ. लेकिन वो जा तो नीचे की तरफ ही रहा है. मोशन उसका नीचे की तरफ है ठीक है. इसलिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा और कौन सा लगेगा? म्यू के एन लगेगा है ना. चलो ऑल सेट एवरीबॉडी यस गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस एवरीवन. सर मुझे एक लाइक यहां देखो. यस अश्विन वन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सब कुछ सिखा चुके. काइंड ऑफ रिविजन है यहाँ. कल का रिविजन नया तो चालू ही नहीं किया अभी. अ बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम्स ओके स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ठीक है. इफ द फ्रिक्शन इज 3 न्यूटन ओके फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. बच्चो एक स्मूथ हॉरिजॉन्ट स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ओके. हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. यस इसका मास है 400 ग्राम्स. वेरी गुड सिंपल. फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है 3 न्यूटन. मान लो मोशन इधर की तरफ हो रहा है. मान लेते हैं मोशन इधर है तो फ्रिक्शन किधर रहेगा? उल्टा. कितना? 3 न्यूटन ठीक है. फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल. मतलब क्या फाइंड करना है? Come on, क्या फाइंड करना है? Find the angle made by the contact force on the body with the vertical. Angle made by the contact force with the vertical क्या होता है? Revision नहीं करके आए. Angle of friction निकालना है. बच्चों ये रहा मेरा वर्टिकल. वर्टिकल होता है नॉर्मल रिएक्शन. एक होता है फ्रिक्शन एक होता है नॉर्मल रिएक्शन. तो ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स आर. यू हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स विद द वर्टिकल. ये एंगल आपको फाइंड करना है. क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी समझ में आया क्या किया है ना? यहाँ पर yes, sir. की तरफ रहेगा mg है ना. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 400 0.4 लेता है. यस 0.4 इनटू 10 दैट इज नथिंग बट 4 न्यूटन ठीक है. तो एक फोर्स है बच्चों ऊपर की तरफ 4 न्यूटन का. एक फोर्स है इधर की तरफ 3 न्यूटन का. ये रहेगा रिजल्टेंट. आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकालना है तो वो निकाल ले क्या पहले? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर which is nothing but under root 25 which is 5 newton. तो 5 newton हो गया contact force. आपको निकालना है angle of friction. Yes, angle of friction. तो बच्चा angle of friction क्या हो जाएगा? tan inverse of, मान लो ये theta है. Yes, तो tan inverse of 3/4. tan inverse of 3/4. ये कौन सा triangle बन जाता है ना? जो यहाँ पर 3 आ गया यहाँ 4 आ गया 37 वाला. तो ये मैजिक ट्रायंगल 37 डिग्री है ना. तो ये हो जाएगा मेरा 37 डिग्री. इजी क्वेश्चन था लेकिन क्या पूछा है ये तो समझो. चलो अगला सवाल.
A 20 kg box is gently placed on a rough inclined plane at an angle 30 degree with the horizontal. चलो रख देते हैं, ये है rough inclined plane at an angle of 30 degree with the horizontal, और यहाँ पे रख दिया एक 20 kg का box, और ये है बच्चों rough surface. The coefficient of sliding friction between the box and the plane is 0.4. Mu की value दे रखी है 0.4. कल मैंने डायग्राम बना बना के दे दिया था, आपको क्वेश्चन भी तो समझ में आना चाहिए ना. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स डाउन द इंक्लाइन. ये बॉक्स का मोशन यहाँ पे हो रहा है, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना. एकदम लड्डू सवाल है, कुछ भी नहीं है उसमें, एकदम लड्डू सवाल है. जल्दी से बताओ इधर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, 20g sin 30 और इधर की तरफ क्या फोर्स आने वाला है, स्लाइड कर रहा है ना नीचे, सो म्यू एन. ठीक है ना, आपको क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलरेशन. सो एफ नेट इज इक्वल टू म्यू, क्या होगा ना इधर म्यू दे म्यू, हाँ जो भी है ये देखो मैंने कल भी बताया, वैसे तो म्यू क्या होगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ म्यू दिया है तो आप वो म्यू यूज कर लो, कोई टेंशन. ठीक है, यस बट म्यू क्या होगा. सो ये क्या हो जाएगा, 200 sin 30 माइनस 0.4 इंटू एन की वैल्यू क्या आएगी बच्चो, वॉट इज एन, ये नॉर्मल रिएक्शन, नीचे आएगा 20g cos 30. सो म्यू इंटू 200 cos 30 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इज 20 इंटू एक्सेलरेशन इज ए. क्या आप यहां से इसका एक्सेलरेशन एकदम आराम से निकाल सकते हो, करेंगे सब लोग पक्का पक्का 100% एवरीबडी. सो फाइंडिंग द एक्सेलरेशन इज योर होमवर्क. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. A force of 400 newton, ठीक है, acting horizontal pushes up a 20 kg block placed on a rough inclined plane makes an angle 45 with the horizontal. ध्यान से समझो, हाँ, एक rough inclined plane है, making an angle of 45 degree with the horizontal. बच्चों यहाँ पर रखा हुआ है एक block जिसका mass है 20 kg. सेम पीछे के जैसा. अब देखो यार एक फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है, 400 न्यूटन फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टल. तो ये 400 न्यूटन का फोर्स कहां एक्ट कर रहा होगा, यहां ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे एक्ट कर रहा होगा ये, थर्ड वाला. ओके, एनीबॉडी सर, 45 डिग्री का बेस जैसा. वेरी गुड, है ना, अरे हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल दिया है क्लियरली, तो ये यहां पे एक्ट कर रहा होगा ऐसे, है ना, अरे हॉरिजॉन्टल ना, और देखो हॉरिजॉन्टल यहां पे एक्ट करेगा, कोई फोर्स यहां लगाओगे तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, पुशेस अप तो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, है ना. तो कैसे क्या पुश हो जाएगा, ये जो फोर्स एक्ट होने वाला है ऐसे हॉरिजॉन्टल, बच्चों इसका दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक ऊपर की तरफ दैट इज नथिंग बट एफ दैट इज 400, है ना. देखो 400 न्यूटन का आपने ऐसे फोर्स लगा दिया तो ये हो जाएगा कितना, 400, यस. अच्छा नहीं, हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे दो कॉम्पोनेंट्स में, ठीक है, एक ऐसे दिस इज नथिंग बट ये और एक ऐसा, ये हो जाएगा 400 cos 45 और ये हो जाएगा 400 sin 45. ये जो 400 cos 45 है ना, देखो वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, यहाँ पे आ जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड, इधर की तरफ आएगा 200 sin 45 और इधर की तरफ एक और आएगा 200 cos 45. क्या सब लोगों को समझ में आया पूरा के पूरा डायग्राम ऑफ द, क्या मतलब एफबीडी समझ में आया सबको, yes. सब लोगों को yes, समझ आया, कोई दिक्कत, yes, sir. आगे बढ़े फिर. अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ उसका एक्सेलरेशन है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द इंक्लाइन, मतलब म्यू की वैल्यू आपको ढूंढ के निकालना है. कोई दिक्कत आएगी क्या भाई किसी को, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, करना क्या है, कुछ नहीं करना. ओके, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू
डायग्राम में फ्रिक्शन नहीं बना। अरे फ्रिक्शन बना देंगे हम लोग, पीछे की तरफ फ्रिक्शन बनाना पड़ेगा, है ना, ये इधर आएगा ना फ्रिक्शन पक्का, एफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। एन नॉर्मल रिएक्शन 200 cos 45 प्लस 400 sin 45, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, विच इज नथिंग बट बच्चों 200 रूट अपॉन रूट 5 प्लस सॉरी अपॉन रूट 2 प्लस 400 अपॉन रूट 2 विच इज 600 डिवाइडेड बाय रूट 2। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी कि ऐसा आने वाला है? पक्का पक्का 100% श्योर? यस सर। वेरी गुड। अब क्या है, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करना है आपको और क्या, इधर इधर, तो ओके नेट फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, सो 400 cos 45 ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे में 200 sin 45 माइनस फ्रिक्शन फोर्स विच इज नथिंग बट म्यू एन। इस म्यू की वैल्यू आपको निकालना है, एन क्या है, एन भी डाल देता हूं मैं 600 by root 2 is equal to mass into acceleration, mass है 20 into acceleration है उसका 0.12। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको म्यू का वैल्यू मिलेगा, है ना। चलो मैं 1/√2 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 400 माइनस 200 सॉरी 400 माइनस 200 माइनस 600 म्यू इज इक्वल टू 6 × 12, ठीक है, रूट टू वहां जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 200 माइनस 600 म्यू इज इक्वल टू 12√2। तो ये क्या होने वाला है अल्टीमेटली 600 म्यू इज इक्वल टू 1200 सॉरी 200 माइनस 12√2, म्यू की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाय 600, 200 माइनस 12 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 600। इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार आपको, है ना, इसको सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ म्यू। एवरीबडी अंडरस्टूड इट, कोई टेंशन नहीं है उसमें, डायग्राम बनाते आएगा सबको, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, डायग्राम बनाते आना चाहिए, ओके चलो अब कुछ नया, ठीक है। अब दो ब्लॉक दे दिया, तो दो ब्लॉक का मैंने क्वेश्चन तो डाल दिया, इसका थोड़ा सा मैं थियरी भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे यह है एक ब्लॉक, यह है दूसरा ब्लॉक, छोटा ऊपर बड़ा ऊपर छोटा नीचे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर रहेगा कुछ एंगल, हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2। अब मुझे बताओ यह है एक रफ सरफेस, है ना, इफ इस रफ सरफेस पे m1 और m2 सेम तरीके से स्लाइड करेंगे या अलग अलग हो सकता है उनका स्लाइड करने का तरीका? यस गाइस, क्या वो सेम तरीके से स्लाइड करेंगे या अलग अलग स्लाइड कर सकते हैं, बताओ मुझे जल्दी। यस ऑब्वियसली अलग अलग, अच्छा एक स्लाइड है, स्लाइड गार्डन में जाके स्लाइड खेलते हो ना, अच्छा वो स्लाइड पे सब लोग सेम तरह से स्लाइड कर सकते हैं क्या? अगर आपने बहुत स्लिपरी टी शर्ट पहना है तो रफ से स्लाइड कर जाओगे, है ना, आपने कोई बहुत रफ चीज वहां पे रख दी तो वो रफ चीज अलग तरीके से स्लाइड करेगी, धीरे धीरे जाएगी, है ना, कोई बहुत मोटा इंसान बैठ गया, यस शायद वो अलग तरीके से स्लाइड करेगा, तो हर ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग अलग अलग होगा, है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि कौन से दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, कौन से दो सरफेसेस कांटेक्ट में है। तो बच्चों ये जो m1 है इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज म्यू वन, और ये जो m2 है इसके लिए म्यू टू रहेगा। क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई? यस यस। आप बोलोगे सर म्यू वन म्यू टू अलग कैसे, अरे म्यू वन म्यू टू दोनों के बीच में स्लाइडिंग का कैसा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ना, तो म्यू वन अलग रहेगा म्यू टू अलग रहेगा, है ना, एम वन स्लाइड करने का उसका तरीका अलग, वो शायद रफ है बॉडी, शायद हो सकता है, देखो ना ये रफ सरफेस, ये रफ सरफेस है, ओके सरफेस तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये बॉडी जो है ना पहली वाली वो बहुत रफ है ना, बहुत ज्यादा रफ है उसका बेस,
और जो सेकेंड वाली है ना फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही स्मूद है, ये बहुत ही स्मूद है. यस विदाउट मी गिविंग यू एनी वैल्यूज कैन यू प्लीज टेल मी. अच्छा चलो चलो यार, मैं तीन आपको मैं ही केसेस बना के देता हूँ और उसी पे से समझा देता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा. ये सरफेस है, ये है आपकी बॉडी M1, ये है आपकी बॉडी M2, M1, M2, ये है रफ सरफेस. ओके तो फ्रिक्शन होने वाला है. यस ये बॉडी जो है ना, ये पहली वाली और दूसरी वाली प्लीज ध्यान देना, यस सेम मटेरियल से बनी है, सेम मटेरियल से बनी है. तो बच्चों इसका म्यू वन और इसका रहेगा म्यू टू, और यहां पे म्यू वन विल बी इक्वल टू म्यू टू विल बी इक्वल टू म्यू, है ना. यस क्योंकि सेम मटेरियल से बनी हुई है, आइडेंटिकल बॉडीज, मास अलग है लेकिन बॉडीज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बॉडीज, है ना. तो कोई टेंशन नहीं. अब मुझे बताओ उन दोनों बॉडीज के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स कितना रहेगा, हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज. जल्दी ठीक जीरो रहेगा. अरे बिकॉज दे आर नॉट प्रेसिंग ईच अदर. अरे इसने इस पे कॉन्टेक्ट लगाया, इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इट विल बी जीरो. ऐसे नहीं करना बच्चों, खटाखट आंसर देना चाहिए अभी, है ना. बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग ये चीज, ठीक है. गलत तो गलत बट आंसर करो, ऐसे सीखोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है. सो इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन जीरो रहेगा, है ना. क्या दोनों एक साथ नीचे स्लाइड करेंगे, यस और नो. यस बोथ विल स्लाइड, सॉरी बोथ विल स्लाइड टुगेदर फॉर श्योर, है ना. मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, होगा ही होगा, ठीक है. तो मैं इसको एज अ सिस्टम कंसिडर करके सॉल्व कर सकता हूं. एज अ सिस्टम कंसिडर करूंगा, टोटल मास नीचे लगाऊंगा, एक्सेलरेशन निकालूंगा, खेल खत्म. अच्छा अब मैं बोल रहा हूं बच्चों कि कुछ इस तरह का सीन है, ये दो बॉडीज है, ये है एम वन और ये है एम टू. ये जो M1 बॉडी है ना, ये बहुत रफ है और ये ना बड़ी स्मूथ है, एकदम स्मूथ है ना, काफी स्मूथ है. तो मुझे बताओ इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 अलग अलग रहेगा फॉर श्योर, है ना. yes. क्योंकि दोनों का स्लाइडिंग अलग रहेगा. कौन बड़ा रहेगा, μ1 बड़ा μ2 बड़ा, 1 μ1 बड़ा μ2 बड़ा, आपको शायद मेरा अगला सवाल भी समझे, कंपेयर करके शायद आपको सही आंसर भी मिल जाए, है ना. ये है मेरा ब्लॉक एम वन, ये है मेरा ब्लॉक एम टू, इस बार ये है बहुत स्मूथ और ये है बहुत रफ. वेरी गुड. इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू. कौन बड़ा, म्यू वन बड़ा म्यू टू बड़ा, म्यू टू म्यू टू म्यू टू बड़ा. सेकंड केस में ये है मेरा केस वन, केस टू, केस थ्री. बच्चों केस नंबर टू में क्या दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आएंगे, यस नो. यस सर. यस सर. क्यों, यस ऐसा क्यों सर, वो पहले वाला रफ है इसलिए. देखो यार जिस स्पीड से रफ वाला नीचे आएगा उसी स्पीड से स्मूथ वाले को आना जरूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है. अरे स्मूथ वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिस स्पीड से रफ वाला नीचे आएगा उसी स्पीड से स्मूथ वाले को नीचे आना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. Very good. Therefore, the acceleration of both blocks is same. Both will slide together. Both will slide together. है ना? दोनों भी एक साथ slide करेंगे. Normal reaction होगा दोनों के बीच में या नहीं होगा? Come on. Normal reaction होगा. सर होगा. क्यों होगा?
कोई किसी को प्रेस कर रहा है क्या सर? क्योंकि रफ बॉडी ब्लॉक कर रहा है स्मूथ बॉडी को, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब तीसरे केस में क्या दोनों एक साथ नीचे आएंगे ऐसे? नो सर। फिर कौन पहले आ जाएगा? सर पहले स्मूथ वाला आ जाएगा, तो क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा और कोई क्योंकि पहले स्मूथ वाला रखा हुआ है ना, तो स्मूथ वाला खटाखट नीचे आ जाएगा, रफ वाले को तो खुद का फ्रिक्शन आने नहीं देगा। अरे रफ वाले को खुद का फ्रिक्शन पीछे पकड़ के बैठा है ना, स्मूथ वाले का कोई लेना देना नहीं। यहां देखो, यहां इसका फ्रिक्शन है पीछे बहुत सारा M1 का, है ना, जो M1 को ही खींच रहा है, तो M2 नीचे नहीं जाने वाला। फाइन, यहां पे स्मूथ वाला निकल गया और रफ वाला पीछे रह जाएगा। मतलब A1 इज नॉट इक्वल टू A2, है A1 इसका एक्सेलरेशन, A2 इसका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज नॉट सेम फॉर बोथ, बोथ विल नॉट स्लाइड टुगेदर, है ना। बोलो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? एकदम मस्त। अब बोलेंगे आपको एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको बस चेक करना है म्यू वन म्यू टू का वैल्यू और बताना है एक्सेलरेशन सेम है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, व्हाटएवर, है ना। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन रह गया, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा दोनों के बीच में? जीरो। अरे उनका कॉन्टेक्ट ही टूट जाएगा ना यार सर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कॉन्टेक्ट ही टूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो भी नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट होगा, नहीं जीरो बोलेंगे हम, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है मतलब जीरो है ना, नहीं है मतलब जीरो। अच्छा मुझे बताओ मैं ए वन की वैल्यू कैसे निकालू इसमें, इस केस में अगर आपको बोल दिया जाए कि फाइंड आउट ए वन एंड फाइंड आउट ए टू, ए वन ए टू निकालो, तो कैसे निकालेंगे बच्चों ए वन ए टू? यस एफ नेट बाय एम वन। नहीं 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 ऐसे कैसे, इसका एक्सेलरेशन अलग है ना, तो आप M1 को देखो कहाँ बनाओ कहाँ बनाओ। अच्छा चलो M1 को बनाता हूँ, सिर्फ M1 को देखो, अलग 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 M1, M1 का एक्सेलरेशन इधर क्या हो जाएगा? G साइन थीटा, हाँ कि नहीं? अरे नीचू की तरफ G, इधर की तरफ G साइन थीटा, अरे फोर्स लगा ले एम जी साइन थीटा, बस है ना। हाँ F नेट, यस यस, क्या बोला स्नेहा ने, जो बोला सही है ना, M1 का F नेट ले लो, सिर्फ M1 का F नेट, और पीछे की तरफ इसका फ्रिक्शन है ना, उसका खुद का जो भी फ्रिक्शन रहेगा स्मूथ, थोड़ा तो फ्रिक्शन है ना जो भी है, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन, एन क्या है, एन इज एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय उसका मास M1। बोलो बात समझ में आई पक्का पक्का सब लोगों को? शॉर्ट yes, yes, है ना, तो ये M1 हो जाएगा, M1 G sin theta minus mu M1 G cos theta divided by whatever whatever whatever, ये एंगल है मेरा theta, ये एंगल है मेरा theta, वैसे ही ये M2 G sin theta minus mu M2, ये mu1 ना, ये mu2, M2 G cos theta upon M2। अब तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं ना, तो आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। पहले दो केसेस में यस आपको बोलता है एक्सेलरेशन निकालो, तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पहले दो केसेस में बताओ मुझे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, है ना, तो इसमें आ जाएगा F नेट M1 plus M2 upon M1 plus M2, plus M2, है ना। F net भी, इसको पूरा सिस्टम कंसिडर करो, है ना, पूरे सिस्टम पर ऐसे सिस्टम कंसिडर करके कर सकते हैं, या दोनों को ले लो यार अलग अलग से सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, है ना, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। Mass M1 M2 are placed on a rough inclined plane as shown in figure. ठीक है, find out the acceleration of the blocks. The contact force between these surfaces. Between these surfaces. अब between these surfaces मतलब क्या बोला है यार, ये कौन से surfaces? Rough inclined plane. चलो देखते हैं, हम लोग normal reactions भी निकाल लेंगे, ठीक है, contact force normal reaction भी निकाल लेते, तीनों निकाल के रखो, ठीक है, चलो फटाफट। ये 0.5 है, इसका मतलब ये रफ रहेगा, हाँ कि नहीं? म्यू वन, देखो यहां बच्चो, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, तो जो एम वन है वो रफ है,
ये सिखाने के लिए लिख रहा हूं मैं, रफ वगैरह वगैरह, वैसे तो म्यू वन म्यू टू होता है, तो जो एम वन ऑब्जेक्ट है वो काफी रफ है और जो एम टू ऑब्जेक्ट है वो काफी स्मूथ है कंपैरेटिवली। लेकिन वेट भी मैटर करेगा बच्चों, मान लो ये बहुत रफ है लेकिन इसके ऊपर मैं 10,000 केजी का कुछ रख दू तो ये तो ठीक है ना। यस ओके, सो जस्ट जस्ट ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थोड़ा सा स्मूथ कंपैरेटिवली, ठीक है। 1 kg 2 kg, अब क्या ये दोनों एक साथ नीचे आने वाले हैं? यस, ये दोनों एक साथ नीचे आने वाले हैं। तो जो मैं लिख देता हूं, जो हमने पीछे लिखा, तीनों का एक्सेलरेशन, सॉरी दोनों का एक्सेलरेशन रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। चलो तो नेट एक्सेलरेशन आपको क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कैन आई से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, वेरी गुड, है ना। अब ये इसको पूरा एक साथ कंसिडर करूं मैं तो कितना हो जाएगा वो 3 kg, तो इधर की तरफ 3g sin 37 पक्का, और पीछे की तरफ पहले वाले का फ्रिक्शन प्लस दूसरे वाले का फ्रिक्शन, हाँ कि नहीं, फिर से बनाओ। चलो देखो जल्दी से, इसको मैं कंसिडर करूंगा बच्चों एज अ सिस्टम। सिस्टम कंसिडर किया तो नीचे की तरफ दोनों का मास है ना, mg sin 37, वेयर m इज इक्वल टू 1 + 2 = 3, है ना। और पीछे की तरफ दो फ्रिक्शन आएगा, एक पहले वाले का प्लस एक दूसरे वाले का भी। क्या सबको समझ में आया? यस, तो f नेट कितना हो जाएगा mg sin 37, या मैं ऐसे लिखता हूं m1 + m2g साइन 37 माइनस फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2 होल डिवाइडेड बाय m1 + m2, है ना। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3 × 10 × sin 37 कितना होता है 3/5 माइनस। अब f1 f2 निकालना पड़ेगा यार, तो यहाँ पे साइड पे लो, f1 कितना हो जाएगा म्यू एन, f2 कितना हो जाएगा म्यू एन, ये μ1n, ये हो जाएगा μ2n, दोनों का n भी अलग अलग है, दोनों का n भी अलग अलग रहेगा। यस, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो कर लो यार कैलकुलेट, चलो कर ही देते हैं, यहीं पे करता हूं। f1 is equal to μ1 into 1 cos 1g, I'm so 10 sorry. cos 37 yeah 10 cos 37 μ1 into 10 cos 37 कितना हो जाता है, ये म्यू वन है 0.5 × 10 × 4/5 सही बात। F2 निकाल लो, F2 is equal to μ2 × 20 cos 37, तो μ2 कितना है 0.2 × 20 × cos 37 is 4/5, है ना, 4 × 4 = 16, 16 × 0.2 3.2। तो F1 प्लस F2 कितना हो गया बच्चों, F1 प्लस F2 हो जाता है 7.2, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 7.2 / 3, वेरी गुड। 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 3, कितना हो रहा है 3 × 3 = 9, 2 = 18 माइनस 7.2 है, यस 9 × 2 = 18 ना, 18 माइनस 7.2, ऐसे कैसे करते हो, अरे 18 − 7.8 है ना, 10.8 / 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अब बोल रहा है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज सरफेसेस। अब ये दोनों के साथ कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा क्या उनके बीच में, 1 और 2 kg ब्लॉक के बीच में क्या कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा बच्चों? यस नो, जल्दी से वापस बता दो फटाफट। यस रहेगा, तो इसमें से कोई भी एक ब्लॉक उठा लो, 1 kg वाला या 2 kg वाला, और उसका FBD बना करके सॉल्व कर लो। मैं उठा लेता हूँ कोई भी एक ब्लॉक, नीचे की तरफ एक फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, और दैट्स इट, और क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऐसे इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो 1 kg वाला था ना इधर से, या 1 kg वाला, तो ये हो जाएगा 10g sin 37 प्लस नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द अदर ब्लॉक प्लस F1, फ्रिक्शन कितना है 4 न्यूटन
4 न्यूटन। और बच्चों उसका एक्सेलरेशन तो हम निकाल चुके, कितना था 10.8/3। सर 3.6 है ना, वो डिविजिबल है। हाँ ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया यार, मैंने तो ऐसे, कितना आ रहा है, यस 36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा दो। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, सो 100 साइन 37 इज 3/5 प्लस नॉर्मल रिएक्शन माइनस 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों यहां से आपको दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, है ना। पूरा 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 कॉन्सेप्ट समझ में आया, बेसिकली ये चीज। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिवाइज दिस इन योर माइंड, कम ऑन। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स इन द अबव सिचुएशन फॉर विच 2 kg ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द इंक्लाइन। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्सेस for which the 2 kg block does not move on the incline, it does not move। मतलब क्या, एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं और उस टेबल से आपको सब कुछ समझा के देता हूं, है ना। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्स, है ना, पहले फोर्स, फिर हम ले लेते हैं बच्चों, फिर हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसका एफबीडी, छोटा सा एफबीडी बना दूंगा, फिर हम ले लेते हैं इसका एक्सेलरेशन विच विल गिव मी एफ नेट अपॉन मास। ठीक है, फिर इसके बाद में हम ले लेते हैं कौन सा फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ये सब पूछा नहीं है, और फिर इसके बाद में मैं लिख देता हूं डायरेक्शन कहां होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन और उसका जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब क्या करने वाले हैं, एक दो करके बताता हूं फिर क्वेश्चन भी समझाता हूं। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स, एक काम करते हैं, मैं फोर्स को कर देता हूं बच्चों 0 न्यूटन, है ना, मैं फोर्स को कर देता हूं 0 न्यूटन। तो अगर मैं फोर्स को 0 न्यूटन कर दू तो ये जो मेरा ब्लॉक है इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, या नीचे की तरफ स्लाइड करेगा ना यार, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, यस yes? तो बताओ जल्दी से, यहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ छोटा छोटा सॉल्व कर देता हूँ, बताओ जल्दी से, 20 into sin 37 कितना होता है, यस 3/5 तो 4, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 12 न्यूटन। अगर नीचे की तरफ 12 न्यूटन लग रहा है बच्चों, मतलब वो नीचे जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हाँ, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 12 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऐसे कैसे 12 लग सकता है, अरे नीचे जा रहे हैं, 0 कैसे लगेगा भाई, अरे लिमिटिंग निकालो, एफ लिमिटिंग निकालो बच्चों उसके लिए पहले, है ना। आप बताओ कितना लगना चाहिए, आप बताओ कितना लगना चाहिए, म्यू इंटू एन की वैल्यू निकाल के देखो तो जरा, 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन ये वाला हो जाएगा, which is nothing but 20 cos 37, which is 0.5 into 20 into cos 37 हो जाता है बच्चों 4/5 16 into 0.5 8 newton, है ना। तो क्या वो ब्लॉक 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा सकता है, क्या नहीं लगा सकता, तो जितना लगा सकता है उतना पूरा जान लगा देगा, yes, लेकिन ये ब्लॉक नीचे स्लाइड होगा, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड होगा, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट 12 - 8 4/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्या यहां पर फ्रिक्शन है, क्या यहां पर फ्रिक्शन है, है कितना, 8 न्यूटन का फ्रिक्शन है ऊपर की डायरेक्शन में, यस ऐसे लिख देता हूं, है ना। ये फ्रिक्शन में मैं लिख रहा हूं 8 न्यूटन, और यहां मैग्नीट्यूड तो मैंने पहले ही लिख दिया ना, डायरेक्शन लिख देते हैं, यस। और एक काम करते हैं, फ्रिक्शन टाइप लिख देता हूं इसको, और यहां कर देते हैं हम फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो मोशन में आ गया, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई, है ना।
ओके, अब क्या करेंगे हम फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यस 4 न्यूटन कर देता हूं, हाँ 2 भी कर सकता हूं, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया 4 न्यूटन का फोर्स, है ना, फोर्स जीरो था बच्चों, यहां पे ये फोर्स कितना था, जीरो था, अब यहां पे ये फोर्स हो गया बच्चों 4 न्यूटन का, है ना। नीचे की तरफ कितना फोर्स है, नीचे तो भैया अभी भी 12 न्यूटन का ही फोर्स है, 12 न्यूटन का ही फोर्स है, और फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, क्या फ्रिक्शन होगा, क्या फ्रिक्शन होगा, यस होगा फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ कितना 8 न्यूटन का फ्रिक्शन, 8 न्यूटन का फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, 0/2 जीरो, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक, स्टैटिक है ना, और फ्रिक्शन है क्या, हाँ है, 8 न्यूटन का ऊपर की तरफ फ्रिक्शन है, 8 न्यूटन का ऊपर की तरफ फ्रिक्शन है। चलो फोर्स को और बढ़ाते हैं, फोर्स को मैंने बढ़ा दिया 8 कर दिया, ये सब आपको बहुत फटाफट करते आना चाहिए, मैं बताऊंगा है ना, शॉर्ट में 8 कर देते हैं फोर्स को। मुझे बताओ, देखो नीचे की तरफ 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो तो चेंज नहीं होने वाला ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, यस, तो ऊपर की तरफ 12 न्यूटन, इधर मैंने फोर्स लगा दिया बच्चों कितना, 8 न्यूटन का, या सॉरी हाँ 8 न्यूटन, ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया बच्चों 8 न्यूटन का। एक काम करते हैं, मैं जरा कलर कन्वेंशन को मेंटेन करता हूँ, फ्रिक्शन को मैं रेड में लिख रहा हूँ, ऊपर की तरफ मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया 8 न्यूटन का, अब मुझे बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, कम ऑन, 8 न्यूटन है, अरे सिर्फ 4 न्यूटन फ्रिक्शन एक्ट करेगा अब, अरे उसको रेस्ट पे रखने के लिए कितना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों 8 न्यूटन, फ्रिक्शन बोलेगा जब 4 न्यूटन से काम बन जाता है उसको रेस्ट पे रखने का, तो मैं क्यों 8 न्यूटन लगाऊ, अरे उसका काम किसी और ने कर दिया बच्चों, अरे हाँ कि नहीं, वही तो सीख रहे हम, जितनी जरूरत है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, जितनी जरूरत है बच्चों मैक्सिमम लग सकता है 8 न्यूटन, है ना, यहां पे जरूरत थी 8 न्यूटन की इसलिए 8 न्यूटन लग गया, लेकिन यहां पे जरूरत है क्या, 8 न्यूटन किसी और ने लगा दिया, मैं क्यों एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊ, वो बोलेगा 4 न्यूटन की जरूरत है, मैं तो 4 ही लगाऊंगा, और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फिर जीरो हो जाएगा, और देखो फोर्स अपने आप में एडजस्ट कर रहा है खुद से, यस, और यहां पर हो जाएगा 4 न्यूटन का फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या बकवास चल रहा है इधर, Everybody, yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्स को और बढ़ाते हैं, कितना करते हैं, 16 न्यूटन कर देगा, 12 न्यूटन करते, 8 हो गया, थोड़ा सा 16 शायद ज्यादा हो जाएगा ऐसे लगा मुझे, ओके कोई बात नहीं, चलो है ना, आ जाओ नीचे की तरफ 12 न्यूटन, ऊपर की तरफ 12 न्यूटन का बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स किसी ने लगाया है, यस yes? अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, जीरो, अरे फ्रिक्शन की तो जरूरत ही नहीं है भैया, वैसे ही ब्लॉक रेस्ट पे रह जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 न्यूटन का लगेगा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं भी, है ना, 0 न्यूटन कहीं नहीं है, मतलब डायरेक्शन ही नहीं है फ्रिक्शन का, लगने ही नहीं वाला है फ्रिक्शन लगने ही नहीं वाला है, तो 0 है तो डायरेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, है ना। अब चलो इसको मैं कर देता हूं 16 न्यूटन, इसको मैं कर देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कर देता हूं बच्चों 16 न्यूटन, अब मुझे बताओ क्या होने वाला है, नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट कर रहा है कितना 12 न्यूटन, ऊपर की तरफ एक फोर्स मैंने बाहर से लगा दिया 16 न्यूटन, है ना, अब क्या होगा, क्या फ्रिक्शन होगा, होगा तो किधर होगा, क्यों होगा, -4 न्यूटन, है ना, फ्रिक्शन अब इधर की तरफ आ जाएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन, वेरी गुड, है ना, और अब भी बच्चों एक्सेलरेशन उसका जीरो रहेगा क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड है, अब भी स्टैटिक रहेगा, अब भी इसका वैल्यू है 4 न्यूटन और डायरेक्शन है नीचे की तरफ, है ना, वेरी गुड।
तो अभी भी देखो फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो, इस बार फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदल दी ताकि वो ब्लॉक रेस्ट पे रहे. एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. पूरी कोशिश करेगा वो कि मैं रेस्ट में रहूं, अपना फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलेगा, ये करेगा वो करेगा, बट रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा. चलो बच्चों इसको बढ़ा करके मैं कर देता हूं 20 न्यूटन. चलेगा जल्दी से. यहां पर उसका वेट 12 न्यूटन, यहां पे मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया कितना 20 न्यूटन. क्या फ्रिक्शन एक्ट करेगा? जी हाँ, इधर की तरफ 8 हो जाएगा. दैट्स इट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन अप्लाई. एक्सेलरेशन 0, स्टैटिक और 8 न्यूटन नीचे की तरफ. अब फोर्स को 21 भी कर दो भाई आप. फोर्स को अगर आप 21 भी कर दोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे नीचे की तरफ बच्चों कितना फोर्स एक्ट होगा, उसका वेट 12 न्यूटन, 21 न्यूटन, और फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना दे देगा 8 न्यूटन. उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं देगा, अब वो मोशन में आ जाएगा ऊपर की तरफ. क्या वो मोशन में आ जाएगा? हाँ. क्या अभी भी फ्रिक्शन है ना? अब है काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, अब है काइनेटिक फ्रिक्शन. और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर म्यू की वैल्यू आपको पता है, है ना, म्यू की वैल्यू पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो. काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी 0.5 ही है. यस, देखो अगर म्यू की वैल्यू अलग अलग दी रहती तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता, आई अग्री, लेकिन उन्होंने एक ही वैल्यू दी है, तो एक ही वैल्यू है तो हम लोग के लिए एक ही वैल्यू है, दैट इज 8. तो 8 न्यूटन रहेगा नीचे की तरफ. अब आ जाओ सवाल पे फिर से. फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स इन द अबव सिचुएशन फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट मूव, है ना. जब फोर्स जीरो है तो ब्लॉक मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, है ना. जब फोर्स फोर हुआ, अच्छा टू करके देख लो फोर्स को 1, 2, 3, 4 भी करके देख लो. 1 करो 2 करो 3 करो 4 करके देख लो, है ना, वो ब्लॉक मोशन में रहेगा. जब फोर्स मेरा 4 न्यूटन हो गया तो उसका एक्सेलरेशन 0, मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस हो जाएगा. 4 से लेकर के कहां तक? 4 से लेकर के 20 तक द ब्लॉक विल नॉट बी इन मोशन, द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट. तो एफ का रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ, Yes, तो मैं क्या लिख दूंगा, F will be greater than equal to 4, less than equal to 20. इस रेंज में वो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा. एंड आई होप कि इस सवाल के बाद फ्रिक्शन और भी ज्यादा क्लियर हो गया रहेगा आप लोगों को, है ना. फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा जस्ट टू इंश्योर कि वो ब्लॉक रेस्ट पे बैठा रहे. पूरी कोशिश रहेगी उसको रेस्ट पे रखने की, प्रोवाइडेड मतलब आप एक्सटर्नल, देखो यार पहले केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, फ्रिक्शन ने पूरी कोशिश की बच्चों, 8 न्यूटन लगा सकता था, लगा दिया, बट कुछ नहीं हुआ, है ना. इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा पूरी जान लगा करके, चाहे डायरेक्शन चेंज करना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन आई हैव एवर फाउंड ऑन फ्रिक्शन, इन विच यू विल रियली अंडरस्टैंड कि यार फ्रिक्शन कितना कमाल करता है ना. क्या सब लोगों को समझ में आया? यू वॉन्ट टू गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट वन. समझा रहा हूँ, ये तो मैंने इतना सारा स्टेप्स किया आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, है ना. अब आपको समझ चुका, अब आपने बोला क्या करना है एग्जाम में, सीधा खटाखट सॉल्व करना है. यस, फ्रिक्शन अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, राइट, तो नीचे 12 है तो ऊपर 12 होना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो 12 ऊपर करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 प्लस एक्सटर्नल फोर्स 4, तब जाकर के वो रेस्ट पे आ जाएगा. वेरी गुड, है ना. अब देखो फ्रिक्शन इधर के डायरेक्शन में भी तो एक्ट कर सकता है, अगर ब्लॉक ऊपर मूव हो रहा रहेगा तो फ्रिक्शन नीचे भी एक्ट कर सकता है. कितना मैक्सिमम एक्ट करेगा नीचे? 8 न्यूटन नीचे एक्ट करेगा. सो 12 प्लस 8, 20 नीचे. अगर उसको रेस्ट पे रखना है तो 20 ऊपर लगाना पड़ेगा. खेल खत्म. 4 से लेकर के 20 इज योर आंसर. कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. बोलो बात समझ में आई,
है ना, इतना थोड़ी करना है ये yes, तो मैं समझा रहा था आपको एक एक स्टेप कि देखो ऐसे हो रहा है कि जैसे ही ब्लॉक दूसरी तरफ मूव करना चालू करेगा फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल देगा खटाक से, है ना। जैसे ही आप ऊपर की तरफ 13 फोर्स लगाओगे बच्चों, इसमें और भी क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, है ना। सो जैसे ही आप 13 का फोर्स लगाओगे यहां पे ब्लॉक नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर, मतलब किस वैल्यू पे फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो वो आपको समझना चाहिए। तो सीधा समझेगा, अच्छा चलो नीचे 12 और अगर फ्रिक्शन भी नीचे लगा दूं मैं तो 12 + 8 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 8, 20, तो भैया ऊपर की तरफ 20 लग सकता है, तो रेस्ट पे रखना है तो 20 तक वो रेस्ट पे रहेगा। सो 4 से 20। श्वेता समझ में आया, बाकी सब बच्चों को समझा, एवरीवन? यस। तो नेक्स्ट टाइम इतना नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ओके सर? तो 12 + 8 और 12 - 8। हाँ एब्सोल्युटली, 12 - 8 ऊपर, 12 + 8 नीचे की तरफ, है ना, 12 - 8 ऊपर, 12 + 8 नीचे की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो। यस, लिमिटिंग वैल्यू 8। यस, तो 12 - 8, 12 + 8, उसका वेट नीचे की तरफ, वेट नहीं, ये यस, Mg sin 37 - 8, Mg sin 37 + 8। क्लियर है सबको? एवरीबडी लिख के रखना इसको अच्छे से अपने yes, sir. चलो आ जाओ yes. और देखते हैं फ्रिक्शन को। इन द फॉलोइंग फिगर एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, ओके, एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू एस। वाओ, another question which will help you understand friction better, है ना, देखो जरा concept questions है ये सारे, okay? तो concept को पकड़ो, ये है wall आपकी, ये है आपका surface, शुरू में block कैसा रहेगा बच्चों, ये ऐसी रस्सी रहेगी और ये block रहेगा, ये ऐसी रस्सी रहेगी, ये जो string है वो पतली रहेगी, है ना, मतलब स्लैक रहेगी, स्लैक पतली नहीं रहेगी, इट विल बी स्लैक, टाइट नहीं रहेगी वो, टाइट नहीं रहेगी वो, ओके, इट विल बी टाइट। मान लो ब्लॉक आपका ऐसा है और ये रस्सी ऐसे स्लैक है, आप उस पर फोर्स लगा के इधर खींचोगे, है ना, थोड़ा सा फोर्स लगा के खींचोगे तो रस्सी का टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। कब तक टेंशन जीरो रहेगा, रस्सी में टेंशन जीरो रहेगा, और थोड़ा खींचोगे रस्सी तब भी स्लैक होगी, थोड़ी और टाइट हो गई तब भी टेंशन जीरो रहेगा, फिर रस्सी फुल टाइट हो गई, ऑलमोस्ट फुल टाइट, ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट, तब भी टेंशन जीरो रहेगा, है ना। फिर आप फोर्स और बढ़ाओगे इधर, सी आपने फोर्स और इंक्रीज किया, है ना, तब भी टेंशन जीरो रहेगा, एक लिमिट तक उस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखो ब्लॉक को इधर खींच रहे हो, हाँ ब्लॉक को इधर की तरफ आपने पुल किया, यस, तो इसको अपोज किया फ्रिक्शन ने, आपने ब्लॉक को इधर पुल किया उसको बैलेंस किया फ्रिक्शन ने, आपने ब्लॉक को इधर पुल किया उसको बैलेंस किया फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन जब अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा, है ना, तब टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप होना चालू हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, यस। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना, इस फोर्स को कंपेंसेट कौन करेगा, फ्रिक्शन, है ना। ये सरफेस देखो ना, इन्होंने म्यू एस दे रखा है, ठीक है, फ्रिक्शन उसको पीछे खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, कब तक खींचते रहेगा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है तब तक, यस, लिमिटिंग वैल्यू तक, और जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, है ना, तब स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होना चालू होगा। अच्छा ब्लॉक रेस्ट पे है ना, चलो आई विल पुट इट इन अदर वर्ड्स आल्सो, आ जाओ यहां ध्यान दो, यहां ध्यान देना बच्चों। चलो पहले ग्राफ बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, सो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, mg, यस, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। F लिमिटिंग की वैल्यू निकालो बच्चों, F लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी,
mu s into n, which is mu s mg, mu s mg. ठीक है, अब देखो मान लो कि स्ट्रिंग टूटने वाली है, ठीक है, ब्लॉक मोशन में आया, मोशन में आएगा तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, यस, मोशन में आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा. अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसको याद रखना. मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने वैल्यू नहीं दी, मैं वैल्यू बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू है 10. अच्छा आ जाओ, है ना, मैंने यहां पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, यस, ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा. चलो ये भी टाइट हो गई, पूरी टाइट है, ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा. आप बोलोगे अच्छा देखो ये पूरा टाइट है लेकिन देर विल बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा क्योंकि इसको बैलेंस कर रखा है फ्रिक्शन ने 5 न्यूटन से. वाह क्या बात है ना, 10 न्यूटन सपोज, आपको समझाने के लिए, ओके वेरी गुड. मैंने इस फोर्स को बढ़ाकर कर दिया 8 न्यूटन, तो फ्रिक्शन हो जाएगा 8 न्यूटन. इट विल अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन. वेरी गुड, स्ट्रिंग का तो कोई काम ही नहीं है. अरे स्ट्रिंग तो बैठा है लड्डू बन के वहां पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो. यस, अरे क्योंकि फ्रिक्शन ने ही काम कर दिया यार, कोई टेंशन ही नहीं था. अब मैं करता हूं बच्चों इसकी वैल्यू 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा 10 न्यूटन, अभी भी टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो. क्या बात है, दिखने में टाइट है वो, दिखने में ऐसे लग रहा है कि टाइट हो चुका है, बट देर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, काइंड ऑफ, या यस, तो थोड़ा सा ओके. जैसे ही बच्चों आप 11 न्यूटन का फोर्स कर दोगे यहां पर, है ना, फ्रिक्शन तो 10 ही लग सकता है, फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ 10 ही लग सकता है, आपका टेंशन हो जाएगा 1 न्यूटन का इन द स्ट्रिंग. अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तब तक के स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगी. बोलो बात समझ में आई सबको, एवरीबॉडी? यस यस. तो ये टेंशन क्या बोल रहा है, देखो ना, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन. तो ये है अप्लाइड फोर्स, है ना, शुरू में टेंशन रहेगा जीरो, ओके, शुरू में टेंशन जीरो 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 जीरो. कब तक? टिल द टाइम द अप्लाइड फोर्स बिकम्स इक्वल टू द एफ लिमिटिंग फोर्स, विच इज नथिंग बट म्यू एम जी. तो म्यू एम जी तक जीरो रहेगा, उसके बाद में टेंशन इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. कब तक इंक्रीज होगा? काफी टाइम तक इंक्रीज होगा, जब तक कि वो स्ट्रिंग टूट ना जाए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉपरली 45 डिग्री पे रहेगा. ये देखो ना, अभी ये एक से बढ़ाया, ये भी एक से बढ़ेगा, इसको आप 12 न्यूटन कर दो, ये 2 न्यूटन हो जाएगा, इसको 2 से बढ़ाओ, 2 से 3 से, 3 से 4, 4 5, 5 6 6, है ना, तो ऑब्वियसली एक 45 डिग्री का लाइन बनेगा. ठीक है, ओके, हो गया, ग्राफ बनाना था. क्या सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, फ्रिक्शन कैसे काम करता है? यस सर. एक्स्ट्रा एफर्ट बाकी लोगों का सेव करता है, है ना, या खुद भी एडजस्ट होता है. ऑल क्लियर? यस सर. सो दीज टू क्वेश्चंस आर माय फेवरेट फॉर फ्रिक्शन, तो एक्सपेक्ट देम इन योर एग्जाम्स आल्सो, ये वाला और ये वाला. मतलब एज इट इज नहीं डालूंगा, ऑफ कोर्स एज इट इज नहीं, है ना, इसके बदले शायद मैं कुछ वैल्यूज दे दूं, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज कर दूं, बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ेगा प्रॉपर. हाँ, सी देखो, दिस इज द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, राइट, स्टार्टिंग से स्ट्रिंग पूरा खींचा हुआ है. मैंने आपको ये भी बताया कि एक केस क्या है कि स्ट्रिंग यहां पे लूज है, लूज है तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं, लेकिन पूरा स्ट्रिंग टाइट है फिर भी अप टू 10 न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल अप टू 10 न्यूटन वो स्ट्रिंग में कोई फोर्स नहीं रहेगा. लेकिन मान लो स्टार्टिंग में अगर ब्लॉक यहां पर है और स्ट्रिंग पूरा ही लूज है, तो पहले तो 10 न्यूटन तक स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर उसके बाद ब्लॉक यहां से यहां तक आने तक, जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होता तब तक भी स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगा, फिर टेंशन डेवलप होना चालू होगा, है ना. सो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सर. तो लाइक लूज स्ट्रिंग वाले में ये अब लॉजिक अप्लाई नहीं होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा, द स्ट्रिंग इज ऑलरेडी टाइट, उसके बाद आपने फोर्स लगाना चालू किया, फिर फ्रिक्शन ने अपोज करना चालू किया,
फिर स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट, ये गिवन फिगर है, गिवन फिगर ही ऐसे ही चालू किया हमने मोशन, ठीक है। चल आ जाओ, क्या बोलता है, शोज टू ब्लॉक्स टाइड बाय अ स्ट्रिंग, अ वेरिएबल फोर्स एफ इज इक्वल टू 5T इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ये देखो एफ इज इक्वल टू 5T, जो दूसरा ब्लॉक है उस पे एफ इज इक्वल टू 5T लगा दिया। The coefficient of friction for the blocks are this and this respectively. दे दिया है। Find the frictional force between the blocks and the ground as well as the tension in the string at. आपको find करना है tension string के अंदर जो develop हुआ है वो। तो case number one, case number A. A में दोनों का FBD बना लेते हैं फटाफट। Mu is equal to 0.6, नीचे की तरफ 10, इधर की तरफ tension in the string, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर दूसरे वाले का नीचे की तरफ 20, इधर की तरफ F is equal to 5 into 1, 5 newton, 5T, T की वैल्यू 1 दे रखी है, पहले केस में T की वैल्यू 1 दे रखी है। ऊपर की तरफ बचो नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ टेंशन T, है ना। और इसका म्यू दे रखा है 0.5, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पर साइड में लिखते हैं 0.6। Now, बोल रहा है find the frictional force between the blocks and the ground. तो ये यहाँ पे ground है जो दिया नहीं है, but that's okay, है ना? तो आप F limiting निकाल लो यार इसका। What is the maximum value limiting force of this block? ये है block A, ये है block B. तो block A का limiting force निकालो। कितना हो जाएगा वो? Mu n हो जाएगा, है ना? Which is nothing but 0.5 into n की value कितनी है उसकी? बच्चों 20. 20, that is 10 newton. 10 newton is the value. मुझे फटाफट से बताओ क्या ब्लॉक मूव करेगा? Come on. अरे 5 newton का फोर्स लगाया ना आपने उस पे, मूव कैसे करेगा? आपने इस ब्लॉक पे 5 newton का फोर्स लगाया है, yes? तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा 5 newton का और वो मूव नहीं करेगा। अगर वो मूव नहीं करेगा तो दूसरा वाला ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं, क्योंकि कंस्ट्रेंट है ना, बांध दिया है उसको, यस, वो मूव नहीं करेगा। तो दूसरा ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो कोई टेंशन है ही नहीं हमको। अच्छा, तो अगर दूसरा ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो दूसरे ब्लॉक, अच्छा फर्स्ट व्हाट विल बी द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय ब्लॉक ए? 5 न्यूटन का फ्रिक्शन ऑफर करेगा वो पीछे की तरफ। अरे देखो ना, रेस्ट कितना फ्रिक्शन दे सकता है वो? मैक्सिमम 10, 10 का फ्रिक्शन दे सकता है। तो इधर की तरफ ए 5 न्यूटन अप्लाई कर देगा। अच्छा, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी तो मूव ही नहीं करेगा, तो ब्लॉक बी का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0, है ना। और डेफिनेटली बच्चों, हाउ मच विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग? 0 न्यूटन। अरे उसमें तो टेंशन अभी डेवलप ही नहीं हुआ, ये फोर्स अभी तक स्ट्रिंग पे पास ऑन ही नहीं हुआ। बोलो बात समझ में आई हर बच्चे को? एवरीबॉडी, यस, वेरी गुड। वैसे ही इज इक्वल टू 2 सेकंड लेकर के सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये पहला वाला ब्लॉक, ये बी, यहाँ पर टेंशन नीचे की तरफ 10, ऊपर की तरफ 10 ही है ना, या नॉर्मल रिएक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.6। दूसरा ब्लॉक यहाँ पर कितना लगाया? एफ इज इक्वल टू 5T और T की वैल्यू 2 है, है ना, 5T और T की वैल्यू 2 है, तो 10 न्यूटन। ओके, नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और इधर की तरफ टेंशन T इन द स्ट्रिंग। मुझे बताओ इसका लिमिटिंग कितना है? अभी अभी हमने निकाला 10 न्यूटन लिमिटिंग है, तो ये पीछे की तरफ 10 न्यूटन लगा देगा। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय A? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, है ना। ये अभी भी रेस्ट पर है और ये रेस्ट पर है, तो बी मूव करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो रस्सी से बंधे हुए है, कंस्ट्रेंट से, जो ए के साथ होगा वो बी के साथ होगा। तो बच्चों बी का फ्रिक्शन अभी भी 0 रहेगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी 0 रहेगा। दिस इज आवर आंसर टू बी, सिंपल। और वैसे ही थर्ड वाला कर लेना फटाफट से। चलो इस बारी 5T और T की वैल्यू कितनी दे दी? 3 है क्या? 3। ओके, सो 15 न्यूटन का फोर्स लग गया। हाँ, अब कुछ होने वाला है, नीचे 20, ऊपर n, वेरी गुड। अब ये कितना फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है? 10 न्यूटन का फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है। इट कैन ऑफर अ फ्रिक्शन ऑफ 10 न्यूटन
और ये टेंशन है उस स्ट्रिंग का टेंशन. यस वेरी गुड. अब मुझे बताओ इसका फ्रिक्शन कितना ऑफर कर लेगा ये 10 न्यूटन का फ्रिक्शन ऑफर. सर 10 न्यूटन्स. यस 10 न्यूटन का फ्रिक्शन ऑफर होगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा. सर 5 न्यूटन बचा हुआ. 5 न्यूटन. अब स्ट्रिंग में 5 न्यूटन टेंशन बनेगा. वेरी गुड. अब दूसरे वाले का एफबीडी ले लो ये वाला. इधर की तरफ टेंशन 5 न्यूटन का, नीचे की तरफ 10, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n. क्वेश्चन क्या क्या पूछा है हमको. क्वेश्चन हमको बोला है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड एज वेल एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. वेरी गुड. तो हमने ये देखो एफ ए निकाल लिया, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी निकाल लिया. अब क्या ये इधर की तरफ मूव होने वाला है. टेंशन कितना है इसमें 5 न्यूटन का टेंशन है इसमें. 5 न्यूटन से कोई तो उसको इधर खींच रहा है. अब इसका लिमिटिंग निकाल लो आप व्हिच इज नथिंग बट n. 6 न्यूटन है तो नहीं हिलेगा क्या. 6 कैसे 0.6 × 10 0.6 × 10 तो 6 न्यूटन इसका लिमिटिंग फोर्स हो गया है ना. तो ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा 5 न्यूटन. सो एफ बी विल बी 5 न्यूटन. क्या सबको समझ में आया. एवरीबडी है ना. yes, तो इस तरह से फ्रिक्शन काम करेगा कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर भी. अगला सवाल होमवर्क. नहीं यार होमवर्क नहीं दे सकता. ये भी बहुत प्यारा सवाल देखो तो जरा डिस्कस करते हैं. अरे बाप रे तो हो गए नहीं खत्म जल्दी. चलो चलो हो जाएगा नो वरीज. After this question, we'll take a short break and then उसके बाद हम लोग continue करेंगे, ठीक है? So very important ध्यान दो. Find the tension in the string in the situation as shown in the figure below. Forces 120 newton, 100 newton start acting when the system is at rest. Okay, देखो तो जरा अच्छे से क्या-क्या हो रहा है ध्यान देना. ये block है 10 kg का, उसपे एक force लगा दिया इधर की तरफ 120 newton. इधर की तरफ 100 न्यूटन. वेरी गुड. इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन ये 90 ऑफर कर सकता है, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन ये 60 ऑफर कर सकता है ना. आपको बोला फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो. केस वन, हमको पता है क्या कौन किधर मूव होने वाला है. अच्छा क्या हमको पता है बच्चों कि ये 90 किधर एक्ट होगा, लेफ्ट में एक्ट होगा कि राइट में एक्ट होगा. नहीं पता है ना. क्या ये 60 इधर एक्ट होगा कि इधर एक्ट होगा, हमको नहीं पता. नेट फोर्स किधर है हमको पता है क्या, नहीं पता. तो हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम दैट द सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट. पूरा के पूरा सिस्टम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है. तो बच्चों अगर पूरा के पूरा सिस्टम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, यस प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना. तो इधर की तरफ हो जाएगा 120 न्यूटन. यहां पर ये 90 पीछे की तरफ एक्ट करेगा, करेक्ट. ये 60 पीछे की तरफ एक्ट करेगा और ये 100 तो ऑलरेडी यहां पर एक्ट कर रहा है. Yes, मुझे बताओ नेट फोर्स किधर है. नेट फोर्स इज इक्वल टू 100, 60, 90 राइट साइड में है, हाँ कि नहीं. टुवर्ड्स राइट है ना. हमने तो बोला द सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग. बोलो बात समझ में आई. अरे नेट फोर्स देखो ना 100 प्लस 60 प्लस 90 इधर जा रहा है ना. तो लेफ्ट में कैसे मूव हो सकता है, नहीं हो सकता. सो नॉट पॉसिबल, हमने कुछ तो गड़बड़ अज्यूम किया. कोई बात नहीं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि सब कुछ राइट में मूव हो रहा है ना. हम लोग अज्यूम करते हैं कि सब कुछ राइट में मूव हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं. ये पहला, ये दूसरा, ये कनेक्टेड, यहां से 100 न्यूटन, एवरीथिंग मोशन इधर है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं. अज्यूम क्या किया कि मोशन इधर है. ओके तो यहां पे 60 एक्ट करेगा पीछे की तरफ, यहां पे 90 एक्ट करेगा पीछे की तरफ और यहां पे 120 एक्ट करेगा पीछे की तरफ. ये तो गड़बड़ हो गई. अभी भी देखो नेट फोर्स किधर आ रहा है बच्चों, इधर टुवर्ड्स लेफ्ट.
है ना. देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. यार मतलब सिस्टम ना लेफ्ट में मूव कर रहा, सिस्टम ना राइट में मूव कर रहा है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है? The system is at rest. Very good. इसका मतलब है कि सिस्टम इज एट रेस्ट. अब जो निकालना है निकाल लो. अरे भैया अब जो निकालना है जो करना है कर लो. अब मैं लूंगा सर. लेकिन ये हम डायरेक्टली भी इन्फर कर सकते थे ना. अरे कर सकते थे ना सर, तो कि लाइक दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस मिलके ही हर एक फोर्स से ज्यादा है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना. देखो ना पिछली बार हर तरफ दे रखा था. यस हर जगह पे कहीं ना कहीं दिया है कि सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए, ब्लॉक लेफ्ट में मूव करना चाहिए, राइट में मूव करना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम. देखो यहाँ पे एक ही ब्लॉक पे फोर्स था 5t, है ना. तो हमको पता है कि सब कुछ इधर मूव करने वाला है ऑब्वियसली. लेकिन यहाँ पे ना ऐसा नहीं था. यहाँ पे इधर भी एक फोर्स है, इधर भी एक फोर्स है ना. देख करके ऐसा लगता है कि नेट फोर्स इधर की तरफ है तो सिस्टम यहां मूव करेगा. ऐसा बोल के बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ तो आंसर निकाल करके आते हैं, भगवान जाने कैसे और क्या. बोलो बात समझ आई. देख के बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इधर 120 इधर 100 तो नेट फोर्स 20 का यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो सिस्टम इधर वर्क कर रहा है ना. और फिर उसको एक सिस्टम मान के इधर की तरफ 20 लगा देते और कुछ तो भयानक सा करके आते हैं, है ना. तो मैं वो समझा रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे नहीं करना. एक सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लगा तो चलेगा, है ना. अब सिस्टम रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो दोनों ब्लॉक का अलग अलग से एफबीडी बना दो. आप यहाँ पे था 10 केजी वाला ब्लॉक, सही बात. तो यहाँ पे हो रहा था 120 न्यूटन. यहाँ पे है टेंशन इन द स्ट्रिंग और पीछे की तरफ 90 एक्ट होगा. अरे इस ब्लॉक पे इधर 120 तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा. ये दूसरा ब्लॉक, इसका वेट कितना था, 20 था क्या बच्चों, 20 है ना. इधर की तरफ इस पे 100 न्यूटन एक्ट कर रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा इस पे, यहां पे 60 है ना. और ये हो गया आपका टेंशन फोर्स. बोलो बात समझ में आई सब लोगों को, एवरीबॉडी. कैसे इक्वेशन रेस्ट पे है, सिस्टम इज एट रेस्ट, देयरफॉर टी प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 120, टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन. खेल खत्म, है ना. क्या पूछा है, वही पूछा है ना आपको. Find the tension in the string. So, ये लो, tension in the string कितना हो गया? Tension in the string is 30 newton. सही है क्या? Everybody? हाँ? तो एक मिनट, next page पे जाइए ना. हाँ. वहाँ पे tension अगर हम दूसरे block में निकालेंगे, very good. वाले के हाँ. रुको, रुको, रुको. है ना? तो मैंने इसीलिए मैंने pause लिया. मैंने पूछा सही है क्या? क्या ये सही है? Tension in the string यहाँ पे कितना आ रहा है? Yes? Yes? तो 30 तो नहीं. वेरी गुड. तो क्या हो गया यार, क्या गलत किया? कम ऑन, 120 यस प्लस टी, सॉरी 90 प्लस टी इज इक्वल टू ये. अच्छा और वही चीज अगर मैं यहाँ पे कर दू बच्चों, टी प्लस 60 इज इक्वल टू 100 तो टेंशन इज इक्वल टू 40 न्यूटन. अब मुझे बताओ, अब सीन ऐसा है कि स्ट्रिंग तो सेम ही है, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम आना चाहिए. तो टेंशन तो अलग अलग आ गया एक ही स्ट्रिंग में, है ना. तो या तो कोई गलती हुई है, यस, या तो फिर क्या किया जाए. जल्दी कम ऑन, थिंक और मुझे बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. यस एनीबॉडी. सर एक सेकंड, सब समझाता हूँ धीरे धीरे. देखो जब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे ना बच्चों, यस हमने क्या बोला था, नॉर्मल नो फ्रिक्शन, ये एक ब्लॉक लिया, ये एक ब्लॉक लिया, है ना, ये 10 का ये 20 का और इस पे एक फोर्स लगा दिया मान लो 100 न्यूटन. कोई टेंशन ही नहीं था मेरे लाइफ में, है ना. मान लो आप इधर से भी, तो हमने क्या बोला, इसको एक सिस्टम मान लो, इधर से भी एक फोर्स लग गया, यस मान लो 120 न्यूटन का, है ना. इसको एक सिस्टम मान लो, यस, और नेट नेट सब खत्म करो, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ है ही नहीं, सिस्टम झमेला, है ना. तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से वो लोग आगे पीछे जाएंगे, है ना. लेकिन हमको इस बार ना फ्रिक्शन भी दे रखा है.
अब फ्रिक्शन का सीन ये है कि हमने ये तो कर लिया, हमको ये भी समझ गया कि द सिस्टम इज एट रेस्ट, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। इसलिए नहीं कि इसके बाद एक और अजम्पशन आता है। यस, अरे बच्चों ये है मैक्सिमम वैल्यू, यस, ऑफ फ्रिक्शन जो वो सप्लाई कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 90 देगा ही। आय शाबाश, अरे 60 इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ये ब्लॉक दे सकता है। जरूरी थोड़ी है वो 60 देगा ही, है ना। तो 60 देने नहीं वाला, या तो ये 90 देने नहीं वाला, है ना। तो हमको इसके बाद सॉल्व कैसे करना है और समझाऊंगा, बट पहले आप ध्यान दो। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, यस, क्या कि जो 10 केजी वाला पहला कौन सा था, 10 केजी वाला, या 10 केजी ब्लॉक, यस, रीचेस इट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अज्यूम करते हैं कि उसकी अपनी लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की रीच हो गई। यहां ध्यान देना, यह है ब्लॉक आपका 10 केजी वाला, इसके ऊपर फोर्स लग गया 120 न्यूटन, यहां से टेंशन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो चुकी है। और बच्चों अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन, है ना। आ जाओ तो इसको देखो, 20 केजी वाला ब्लॉक, इस पे इधर लग गया बच्चों 100 न्यूटन, यहां से कुछ तो फ्रिक्शन लगेगा। अरे मुझको नहीं पता कितना लगेगा, यहां से आप ले लो टेंशन इज इक्वल टू 30 न्यूटन। पहले इसको सॉल्व किया, आ जाओ कितना फ्रिक्शन, अभी स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो टेंशन तो सेम है ना, हाँ, तो अब कितना उसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा। सो 30 प्लस एफ इज इक्वल टू 100, F is equal to 70, which is not possible, क्योंकि इसकी maximum value 60 है, that is given, तो 70 तो हो ही नहीं सकती। तो पहले ये अपने maximum value पे नहीं पहुंचा होगा, तो हम बोलेंगे कि चलो मान लो दूसरा वाला अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले पहुंचता है, मतलब क्या, मतलब ये 20 केजी वाला, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, यहां पे लग गया टेंशन, और ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 पे रीच हो गया, तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन यहां से हो जाएगा 40 न्यूटन। वेरी गुड, अब दूसरे ब्लॉक पे उसको ट्राई करके देखो। Yes, ये है 10 वाला, इस पे इधर लग गया बच्चों 120 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन कितना लग गया 40, और यहाँ पे इसका फ्रिक्शन, अरे वो भी तो फ्रिक्शन ऑफर करेगा ना, जरूरी नहीं है 90 ऑफर करेगा, वो तो कितना भी कर सकता है। तो चलो 120 इज इक्वल टू 40 प्लस एफ, 120 इज इक्वल टू 40 प्लस एफ, एफ इज इक्वल टू 80 न्यूटन, विच इज डेफिनेटली पॉसिबल, Why possible? क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 है। बच्चों जरूरी नहीं है कि वो 90 ऑफर करेगा रेस्ट पे रहने के लिए। अब समझा कि सिस्टम रेस्ट पे क्यों है? सिस्टम रेस्ट पे इसलिए है कि इसने यस बैलेंस कर लिया सबको, 90 का लगने भी नहीं दिया और सब कुछ बैलेंस हो गया। अगर आपको पिछले 5-6 क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे तो अब इसका फील आया होगा कि हाँ यार ये सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ताकि सिस्टम रेस्ट पे रह जाए, और इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच नहीं होने दी, तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा ये। अब बताओ क्या हर बच्चे को एकदम अच्छे से समझ में आया? आई वांट अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। मैं समराइज करूंगा उसको, डोंट वरी। या यस सर, पक्का? यस सर, यस सर। देखो वंस अगेन, सरफेस पे दो ब्लॉक्स रखे हैं, हमने अज्यूम किया कि वो लेफ्ट में मूव कर रहा है। लेफ्ट में मूव करेगा, मोशन तभी होगा जब दोनों ब्लॉक्स अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा चुके हैं, है ना। इसलिए हमने यहां 90-60 लगा दिया, अभी तक वही कर रहे हैं ना, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन हो चुका उसके बाद मोशन चालू होता है। तो दोनों जब मैक्सिमम लगा चुके होंगे तो वी आर अज्यूमिंग कि लेफ्ट में जा रहा है, बट अगर लेफ्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, सो नेट फोर्स तो राइट में आ रहा है, ऐसा कैसा लेफ्ट में जाएगा। वेरी गुड। सेकंड केस, हमने अज्यूम किया कि मान लो कि राइट में जा रहा है,
अगर राइट में जा रहा है मतलब मोशन हो रहा है, अगर मोशन हो रहा है तो वो लोग अपना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा चुके, उसी के बाद मोशन होने वाला है। हाँ बहुत बढ़िया है ना, तो लगा दो लिमिटिंग, लेकिन उससे भी हमारा कंडीशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि सिस्टम डेफिनेटली रेस्ट पे है ना। लेकिन आप जो मैंने ये सॉल्व किया है, वेट अ मिनट प्लीज, है ना, ये जो सॉल्व किया है ये भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। डेफिनेटली इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट रहेगा, दोनों नहीं हो सकते, है ना। अब ना देखो दोनों ब्लॉक्स फ्रिक्शन दे रहे, जरूरी नहीं है ना कि सब लोग अपना पूरा फ्रिक्शन दे रहे होंगे, क्यों जरूरी नहीं है। देखो सिस्टम रेस्ट पे है तो किसी ना किसी फ्रिक्शन ने रोक रखा होगा उसको, मतलब कोई ना कोई फ्रिक्शन अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है, मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है, और इसलिए बच्चों हम लोग उसकी वैल्यू 90 या 60 नहीं ले सकते। तो हम अज्यूम करेंगे कि मान लो पहला वाला ब्लॉक अपने लिमिट पे पहुंच चुका, यस, और हमने टेंशन निकाल लिया, वही टेंशन दूसरे ब्लॉक पे लगेगा, हाँ यस। अब उस ब्लॉक का भी फ्रिक्शन कितना हो रहा है, 70 न्यूटन आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो 60 के ऊपर दे नहीं सकता, है ना। सेम चीज हमने दूसरे ब्लॉक के साथ की और सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, और बच्चों क्योंकि ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है अभी तक, इसीलिए सिस्टम रेस्ट पे है ना। और ये था क्वेश्चन का करप्ट समरी। मैंने कल ही बोला था बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको करने हैं फ्रिक्शन पे, और बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान दो। नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, ओके। Did we do such question पहले भी? Yes, come on. Yes. है ना? बस सिर्फ यहाँ पे एक और फर्क रहेगा। Yes, यहाँ पे आपको friction भी consider करना। Want you guys to try this? खुद से try करो, answer find करो। हम लोग definitely ये question दोबारा से करेंगे साथ में। Okay? एक assumption कर लेना कि ये वाला block नीचे जा रहा है, right? तो इसका friction कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। ठीक है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इधर की तरफ। बस सारे फोर्सेस बैलेंस करना है, F is equal to ma निकाल करके एक्सेलरेशन निकाल लेना। क्या सब लोगों को समझा क्या करना है, क्या करना है ये समझ गया? पक्का पक्का? यस एवरीवन, 100%, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है फ्रिक्शन में, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ब्लॉक और ब्लॉक, या फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। अब इसके लिए एक चीज पहले समझ लो, क्या रहेगा, आपको दो तीन ब्लॉक्स दिए रहेंगे, दो ही दिए रहते हैं, तीन तो हार्डली आएगा, है ना। सो देयर आर टू ब्लॉक्स, ये है ब्लॉक नंबर ए, ये है ब्लॉक नंबर बी। दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए है, दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए है। कुछ चीजें मैं बताता हूँ, कुछ बता करके समझाता हूँ, ठीक है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसको लेकर के, देखो कुछ केसेस बना देता हूँ यहाँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया बी। केस नंबर टू सेम बच्चों, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया ए, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया बी। देखो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाले को एक फोर्स लगा दूंगा एफ, है ना। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अगर मैं ब्लॉक ए को नीचे से खींच लूं तो, व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स दैट कैन हैपन इफ आई पुल द ब्लॉक ए। मान लो ये बुक है एक ब्लॉक, अगर बी ए के साथ ये दूसरी ब्लॉक, ये दूसरा है ना, दूसरे में मैंने फोन रख दिया, यस ये जो फोन है वो रख दिया, ठीक है, मतलब हो गया ना ब्लॉक और ब्लॉक, आई डोंट नो कितना अच्छे से दिख रहा है, या दो बुक भी एक के ऊपर एक रख सकते हैं ना, या इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, फाइन। तो ब्लॉक और ब्लॉक, ठीक है। अब मैं नीचे वाली किताब को फोर्स लगा के खींचता हूं, तो मैंने नीचे वाली किताब पे फोर्स लगाया तो फोन भी उसके साथ साथ आगे चला गया, हाँ कि नहीं। तो ब्लॉक ए को अगर मैं पुल करूं तो ब्लॉक बी भी उसके साथ साथ जाएगा, यस। ब्लॉक ए को अगर मैं पुल करूं तो ब्लॉक बी भी उसके साथ साथ चला जाएगा। क्या ये चीज सबको रियलाइज हो गई? पक्का 100%?
बट सर ब्लॉक बी पता है तो मैंने खत्म नहीं किया, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने बोला फर्स्ट कंडीशन ए को पुल किया तो बी उसके साथ साथ चला गया, दूसरा मैंने ए को खटाक से पुल किया तो बी के नीचे से जमीन खिसक गई है ना, तो बी नीचे गिर जाएगा, हाँ कि नहीं, बी के नीचे से जमीन खिसक गई और बी नीचे गिर जाएगा, वेरी गुड। तीसरा पॉसिबिलिटी कि मैंने ए को खींचा, ए आगे जा रहा है, बी भी आगे जा रहा है, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, वो सब डिपेंड करेगा बच्चों कि ये फोर्स कितना है ना। क्या सबको समझ में आया क्या क्या हो सकता है? पक्का 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 200%? यस नो यस सर, है ना। Yes, ये है ब्लॉक ए, ये है मेरा ब्लॉक बी, इस बारी मैंने ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स लगाया, इस बारी मैंने ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स लगाया, दो ही केस बनते हैं, या तो नीचे वाले को लगाओगे या तो ऊपर वाले को। तो क्या यहां पर भी दोनों ब्लॉक एक साथ चल सकते हैं क्या? यस yes. क्या यहां पर भी? अरे बिल्कुल चल सकते हैं यार, 100% चल सकते सर, अगर बी का वेट बहुत हो, अगर दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती है, फ्रिक्शन, यस, तो वो ए को भी अपने साथ खींच के लेकर के जाएगा, है ना। तो यस, यहां पर भी दोनों साथ में चल सकते हैं, लेकिन बी को अगर मैं खटाक से खींच लू तो ए पीछे रह जाएगा, बी आगे चला जाएगा, ये भी हो सकता है ना। सो इट विल ऑल डिपेंड कि भैया कितना फोर्स लगा रखा है, कितना फोर्स लगा रखा है। Yes, if you realize this, it is all over. अब ध्यान से देखो, मान लो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, मैं बोलता हूं both are moving together, both move together, है ना, both move together, तो B कैसे क्या move किया? A पे तो मैंने force लगाया, B कैसे क्या move किया? Yes, come on. B कैसे क्या मूव किया? अरे कोई तो फोर्स चाहिए ना B के ऊपर। यस, कम ऑन बच्चो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हम पढ़ चुके हैं ये चीज, हम पढ़ चुके हैं। क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि A आगे क्यों गया? क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको खींचा। B आगे कैसे क्या गया? दोनों बोथ आर मूविंग टूगेदर, तो B भी आगे गया, तो B पे किसी ने तो फोर्स लगाया होगा ना। तो वो वहीं पे रहना चाहिए यार, बी बोलेगा मैं नहीं आगे आऊंगा, वहीं बैठ जाएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से तो उसने वहीं पे बैठना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बी भी उसके साथ साथ, दोनों एक साथ सेम एक्सेलरेशन से आगे जा रहे, एक्सिलरेशन इज सेम, ये मैं बोल रहा हूं। कम ऑन बच्चों, अरे तू मत जा और तू भी मेरे साथ चल। अरे ये ग्राउंड ए को क्या बोलेगा? तू मत जा, है ना। यस yes, ग्राउंड ए को क्या बोलेगा? भैया तू मत जा, आगे जा रहा है, ग्राउंड उसको पीछे खींचेगा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ग्राउंड, है ना। अभी के लिए मान लेते हैं कि ग्राउंड का फ्रिक्शन नहीं भी हो, ठीक है। अब ए आगे जा रहा है, ए आगे जा रहा है, मैं मान रहा हूं कि ग्राउंड का फ्रिक्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ग्राउंड का फ्रिक्शन नहीं है, वेरी गुड। ए आगे जा रहा है, बी क्या बोलेगा? तू मत जा, और पीछे खींचेगा उसको। बी क्या बोलेगा? तू मत जा, और पीछे खींचेगा उसको, है ना। तो बी इसके ऊपर लगाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, बी ए को पीछे खींचेगा, बोलेगा मत जा। ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा भैया तू भी साथ चल ले, ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज तू भी साथ चल मेरे, है ना। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बी आगे जा रहा है, अरे ए ने बी को खींचा, यस, ए ने बी को, ए को क्या दिखा? ए को दिखा बी तो पीछे रह गया, यस, मतलब ए बोलेगा बी का मोशन पीछे हो रहा है, हाँ कि नहीं। ए क्या बोलेगा? बी का मोशन पीछे हो रहा है रिलेटिवली, यस, तो ए बोलेगा चल तू भी मेरे साथ, यस,
बी देखेगा, बी बी बोलेगा ए तो आगे जा रहा है, ए तो आगे जा रहा है, यस, वो बोलेगा पीछे तू मत जा, बी क्या बोलेगा तू मत जा, बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बी आगे जाएगा। एवरीबडी क्लियर? यस नो? जल्दी फटाफट, यस सर, पक्का? वेरी गुड, यस सर। तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बी आगे जा रहा है। दूसरी कहानी, दूसरे केस में आ जाओ। अब बी पे मैंने फोर्स लगाया है ना, तो बी आगे जाएगा, बी आगे जाएगा, बी क्या बोलेगा अरे ए तो पीछे रह गया, अरे ए तो पीछे रह गया, वो बोलेगा ए को तू भी मेरे साथ चल, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, यस तू भी चल, ठीक है। ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा अरे बी आगे जा रहा है, यस वो इसको पीछे खींचेगा, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। दोनों एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही दोनों साथ में चलने वाले हैं, अदरवाइज साथ में चलने का कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपको दे देता हूं इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, तीन स्टेप आपको इसके प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना है। अच्छा, आपको क्या पूछेंगे, आ जाओ क्वेश्चन देख लो, ये ब्लॉक पे ब्लॉक रखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स सो दैट दे मूव टुगेदर, कितना फोर्स लगाया जाए मैक्सिमम कि वो दोनों साथ में चले। बच्चों खटाक से खींच लोगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो साथ में नहीं चल पाएंगे, है ना। यस, जो लिमिटिंग फोर्स है ना उससे कम लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन का लिमिटिंग फोर्स से कम, डोंट वरी, है ना। और क्या बोल रहा है देखो, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, मतलब फोर्स कितना है फॉर टुगेदर मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछेंगे, सी फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स, रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच दे मूव टुगेदर, मतलब फोर्स पूछ रहे हैं जिसके लिए वो एक साथ चलने वाले हैं। बच्चों एक साथ कैसे चलेगा, ये क्या सब लोगों को समझ में आया, एक साथ चलने के लिए फ्रिक्शन की वजह से वो आगे जा रहा है, तो एक साथ चलने के लिए क्या किया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या करेंगे हम लोग इसमें, स्टेप नंबर वन, यस, सबसे पहले वी विल फाइंड द एफ लिमिटिंग ऑन बोथ ब्लॉक्स, बोथ ब्लॉक्स, है ना, दोनों ब्लॉक्स के लिए आप लिमिटिंग एफ लिमिटिंग निकाल लो। अगर आप दोनों ब्लॉक्स के लिए एफ लिमिटिंग निकाल देते हो, कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसके बाद एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एन, दोनों का अलग अलग हो सकता है पता नहीं, देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। उसके बाद सिलेक्ट दैट ब्लॉक, सिलेक्ट द ब्लॉक ऑन विच only friction is acting, and find the acceleration, the maximum acceleration। बच्चों उसके ऊपर limiting friction जो रहेगा वो use करेंगे हम लोग, और उसका acceleration find करेंगे using F is equal to ma। And then step number three, use this acceleration, use this value of acceleration, maximum acceleration to find the force F for together motion। अच्छा, question, question, question करेंगे, उसके बिना नहीं समझेगा, चलो आ जाओ ध्यान अच्छे से। बेटा एक डायग्राम दिया है, है ना, आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। वैसे तो स्टेप्स चिपका दो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ भी घुमा फिरा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है टू, ये है फोर, इसके ऊपर लग गया एक फोर्स एफ, इन दोनों सरफेस के बीच का म्यू दे रखा है 0.5, नीचे वाला है फ्रिक्शनलेस, कोई टेंशन नहीं है, नीचे वाले का कोई टेंशन नहीं, वेरी गुड। अब देखो 4 न्यूटन का 4 kg वाला ब्लॉक आगे जाएगा, 4 kg वाला ब्लॉक आगे जाएगा, है ना, वो 2 को बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, तो बच्चों 2 के ऊपर लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, 2 के ऊपर लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ ऑन सेकेंड ब्लॉक ड्यू टू द फर्स्ट, है ना। 2 क्या बोलेगा, 2 को देखेगा बोलेगा 4 आगे जा रहा है पीछे खींच, तो इसके ऊपर भी लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F, है ना। कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन उस पर लग सकता है, ब्लॉक 2, है ना, सबसे पहले हमने क्या बोला,
फाइंड एफ लिमिटिंग, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन उस पे लग सकता है ब्लॉक टू पे, दोनों पे निकालना है, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स। तो 2 केजी वाले ब्लॉक की बात करते हैं, उसके लिए एफ लिमिटिंग कितना है, एफ लिमिटिंग 2 इंटू म्यू एन ना, म्यू एन प्लीज ध्यान दो, उसका 2 केजी वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ 20 लिख दू चलेगा ना भाई, 20 लिख दू तो चलेगा क्या? यस yes, नीचे की तरफ yes. उसका एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा मुझे बताओ, म्यू इंटू एन विच इज म्यू इंटू 20 है ना, तो 0.5 इंटू 20 विच इज नथिंग बट 10 न्यूटन है ना। दूसरा वाला ब्लॉक ले लो 4, दूसरा वाला ब्लॉक ले लो 4, इस पे नीचे की तरफ कितना वेट एक्ट हो रहा है? यस एनीवन, क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है ना, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? 4G प्लस 2G, ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया, उसने ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाया? 6G। आप बोलोगे 6G कैसा, अरे ग्राउंड को थोड़ी पता, ग्राउंड को तो लगता है कि इतना वजन उसके ऊपर बैठा है, ग्राउंड को क्या लगता है, ग्राउंड को लगता है कि इतना सारा वजन उसके ऊपर बैठा हुआ है नीचे वाले को है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का कितना हो जाएगा? 6G है ना, हाँ कि नहीं गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर है क्या क्या बोल रहा हूँ? yes. किसी को कोई डाउट है क्या छोटा मोटा, इसमें 6G कैसे हुआ, 4G कैसे हुआ, क्या व्हाटएवर यस पक्का, चलो तो ये कितना आ जाएगा 60। इस पे एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग वैसे नहीं निकालो तो भी चलता है यार ये, अब ये सेकंड वाले का नहीं निकालो तो भी चलता है, ठीक है छोड़ो इसको अभी के लिए, इसको अभी के लिए छोड़ दो। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट द ब्लॉक जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, वो है मेरा यही 2 केजी वाला, फ्रिक्शन आगे की तरफ, मोशन आगे की तरफ है ना, सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यस सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से तो हो रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना हो सकता है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स उस पे एक्ट हो सकता है कितना? 10 न्यूटन। तो 4 केजी वाला ब्लॉक उसको 10 न्यूटन से खींचने की पूरी पूरी कोशिश करेगा कि तू मेरे साथ चल, है ना, सो दैट इज नथिंग बट 10 न्यूटन अपॉन उसका मास व्हिच इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन व्हिच द 2 केजी ब्लॉक कैन हैव। 2 केजी वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकता, मतलब उससे ज्यादा एक्सेलरेट नहीं हो सकता है ना। अब हमको चाहिए बच्चों टुगेदर मोशन, टुगेदर मोशन होने के लिए नीचे वाले ब्लॉक को भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे ज्यादा अगर उसकी स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो वो साथ में नहीं जाएंगे। यस तो खत्म है, इसके ऊपर लग रहा है एक फोर्स एफ, इसके ऊपर लग रहा है एक फोर्स एफ है ना, और पीछे की तरफ लग रहा है क्या? फ्रिक्शन है ना, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अच्छा सही है क्या? देखो तो एफ नेट क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखो क्या, एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इसने इस पे 10 लगाया तो ये भी इस पे 10 लगाएगा, 4 इंटू एक्सिलरेशन कितना है 5, तो फ्रिक्शन सॉरी ये फोर्स कितना हो गया देखो, यस 30, दिस फोर्स हैज बिकम 30, तो मैक्सिमम फोर्स 30 लगा सकते हैं। 30 से कम चलेगा क्या? चलेगा, तो द फोर्स कैन बी ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 30, लेस देन इक्वल टू 30 फॉर टुगेदर मोशन है ना। 20 न्यूटन लगाओगे तो भी दोनों साथ में चलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। 5 इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स ये पॉसिबल है, तो मैक्सिमम फोर्स से मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा है ना। अब अगर आप फोर्स इससे ज्यादा कर दो तो नीचे वाला अलग एक्सेलरेशन, ऊपर वाला अलग, और अगर इससे कम कर दो तो दोनों फिर भी साथ में जाएंगे डिफरेंट एक्सेलरेशन से। क्वेश्चन देखो, आ जाओ, बोल रहा है इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन एफ इज इक्वल टू 18, व्हेन एफ इज इक्वल टू 18, फोर्स कितना लगाया हमने नीचे, 18 न्यूटन का फोर्स लगाया, करेक्ट। तो सीधा सीधा नीचे वाले का एफबीडी बना दूं क्या मैं,
अच्छा चलो F इज इक्वल टू 18 समझ में आया ना, तो अब तो हमको पता है कि वो टुगेदर मूव करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर F लेस देन इक्वल टू 30 देर विल बी टुगेदर मोशन। तो बच्चों अगर टुगेदर मोशन है तो मैं इसको एज अ सिस्टम मान लू क्या है, कितना 6+4 ना बच्चों, कितना था 2+4 6 kg का, इसके ऊपर फोर्स लग गया कितना 18 न्यूटन का, इसके ऊपर फोर्स लग गया कितना 18 न्यूटन का। यस yes? तो 18 न्यूटन का है तो ये तो साथ में ही चलने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। F इज इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू 18/6 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन कम हो जाएगा लेकिन दोनों साथ में चलते रहेंगे, तो साथ में चलते रहेंगे विद एन एक्सिलरेशन ऑफ 3 सेकेंड। सेकेंड में बोल रहा है फोर्स इज 36 फॉर एफ ग्रेटर देन 30 यस दे विल नॉट मूव टुगेदर, नॉट मूव टुगेदर। अब ना ये एक साथ नहीं चलेंगे, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, मतलब दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला ब्लॉक ले लो 2 kg, भैया इसका तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन रीच हो जाएगा ना सामने की तरफ, कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर 10 न्यूटन है ना, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल, वो लग जाएगा खत्म है और कोई फोर्स नहीं लग सकता। तो इसके लिए F इज इक्वल टू ma, तो भैया इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसका मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन से वो आगे आ जाएगा विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा दूसरा कौन है, नीचे वाला 4 kg वाला ब्लॉक। अब देखो बच्चों इस पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन, आगे की तरफ 36 न्यूटन, उसमें से पीछे खींचेगा 2 kg वाला ब्लॉक, उसको बोलेगा मत जा आगे मत जा, कितने से खींचेगा पूरी जान डाल देगा 10 न्यूटन की है ना, खत्म। F नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट कितना है 36 - 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बच्चों एक्सेलरेशन हो जाएगा 26/4 विच इज नथिंग बट 6.5 है क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन बढ़ गया उसका, दोनों भी आगे जाएंगे, बच्चों ऊपर वाला ब्लॉक भी थोड़ा आगे जाएगा लेकिन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5, वेयर एज नीचे वाला ब्लॉक फटाफट स्पीड पकड़ेगा, बढ़ेगी उसकी स्पीड, अल्टीमेटली दोनों गिर जाएंगे कभी तो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ गया तो टॉपिक खत्म है, और है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए। क्या सबको समझ में आया, एवरीबॉडी कम ऑन सर, एक रिकैप रिकैप तो एक और क्वेश्चन लेने वाला हो तो उसमें पूरा रिकैप देता हूं, देखो तो सेम है क्या, आ जाओ है ना सेम क्वेश्चन। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स इन विच बोथ द ब्लॉक्स मूव टूगेदर, ठीक है मैं पूरा सॉल्व करके देता हूं, दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करने वाले सेम है क्या, सब कुछ सेम है बच्चों, सब कुछ सेम है, सिर्फ रेंज ऑफ फोर्स पूछा है ना, रेंज ऑफ फोर्स पूछ रखा है। यस थोड़ा सा चेंज होगा रेंज ऑफ फोर्स, क्या मैंने यहाँ ये गलत है, ये गलत है, यस लेस देन 30 के लिए है ना, एफ लेस देन 30 के लिए वो लोग साथ में चले, ठीक है अभी के लिए F is equal to 30 together motion with maximum acceleration। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, देखो once again पूरा सम वापस सिखाता हूँ और फिर range of force भी बताता हूँ, उसने बोला recap दो। देखो guys अब सीन ये है कि नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग गया, ये है 4, इस ब्लॉक का नाम मैं 4 रखता हूँ और ऊपर वाले का 2 रखता हूँ, नीचे वाले पे एक फोर्स लगाया F, तो नीचे वाला आगे जाने की कोशिश करेगा, वेरी गुड, वो ऊपर वाले को बोलेगा फ्रिक्शन लगाएगा उसके ऊपर, बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, 4 2 को देखेगा 2 तो पीछे छूट रहा है ना, तो इट विल अपोजिट्स मोशन ऑफ गोइंग बैक और आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा उसके ऊपर। बच्चों कितना फ्रिक्शन लगा सकता है वो उसके ऊपर, F लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन उसके ऊपर लगा सकता है म्यू एन, म्यू एन म्यू कितना है 0.5, इन दोनों के बीच में म्यू कितना है 0.5, म्यू है 0.5 इंटू एन, ऊपर वाले का एन कितना हो जाएगा 20, सो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है वो उसके ऊपर 10 न्यूटन का। क्या सबको समझ में आया,
एवरीबडी कोई डाउट? यस सर. ओके यस सर. यस अब देखो इस क्वेश्चन में नीचे वाले का भी फ्रिक्शन दे रखा है 0.1. अब वो फ्रिक्शनलेस नहीं है इसलिए इस पे एक्ट होने ग्राउंड इसको पीछे खींचेगा. ग्राउंड इस पे एफ लिमिट लगाएगा. हाँ कि नहीं? पहले तो जीरो था ना, ग्राउंड का एफ लिमिट जीरो था क्योंकि ग्राउंड वॉज फ्रिक्शनलेस. अब ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है ना. अब ग्राउंड इसको पीछे खींचेगा मत जा, एफ लिमिटिंग लगा देगा. कितना लगाएगा? म्यू एन, विच इज नथिंग बट 0.1 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? 60 लगेगा, विच इज 60 है ना. दोनों का लगा के, ग्राउंड को थोड़ी पता ग्राउंड के ऊपर कितना वजन आ रहा है. ग्राउंड के ऊपर आ रहा है 6 किलो का वजन. ग्राउंड बोलेगा जा ऊपर 6, मेरे ऊपर 60 न्यूटन लगाया, तू जा ऊपर 60 न्यूटन, है ना. तो ग्राउंड का भी आएगा. दोनों का एफ लिमिट निकालो स्टेप नंबर वन. ठीक है, दोनों का एफ लिमिट निकालो स्टेप नंबर वन. क्या नीचे वाले ब्लॉक पे कोई और भी फोर्स एक्ट करेगा? यस. देखो ये ग्राउंड ने लगाया, ये ग्राउंड ने लगाया, ये किसने लगाया? फोर ने लगाया, फोर ने लगाया टू पे. हाँ कि नहीं? फोर ने लगाया टू पे. और बच्चों यहां एक और फोर्स फोर पे लगेगा. कौन लगाएगा? टू. फ्रिक्शन पीछे की तरफ, वो बोलेगा तू मत जा, तू पीछे. तो फोर को दो लोग खींच रहे हैं यहाँ पे, ग्राउंड भी खींच रहा है और टू भी खींच रहा है. ये किसने लगाया? ये टू ने लगाया. यस, फोर पे. श्वेता और बाकी सारे बच्चे, यहां तक सारी कहानी क्लियर है? स्टेप वन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना था हमको, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दिया, है ना. अब चूज दैट ब्लॉक जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है. अगर साथ में जाना है तो जो ब्लॉक नंबर टू है मेरा, उसके ऊपर सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है. यस, फ्रिक्शन इधर की तरफ कितना? 10 न्यूटन. तो क्या मैं उसका, अगर वो आगे जा रहा है तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जो उस पर एक्ट कर सकता है, तो उसका एक्सिलरेशन निकाल सकता हूं क्या मैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम फोर्स अपॉन उसका मास, विच इज 10 / 2, 5 meter per second square से वो चल सकता है आगे. दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो आगे जा सकता है. यस yes? तो बच्चों अगर नीचे वाले को भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलना होगा, है ना. अब 4 kg वाला ले लो आप, यहाँ पे ये है 4 kg वाला. ठीक है, इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस, एक तो है ये एफ, एक तो है ये पीछे की तरफ 6 newton, एक तो है ये पीछे की तरफ 10 newton, और बच्चों इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 5 meter per second square. दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो उसका हो सकता है ऊपर वाले के साथ साथ चलने के लिए, है ना. वेरी गुड. तो क्या मैं यहाँ पे इसका एफ निकाल सकता हूं? एफ इज इक्वल टू एम ए से, है ना. तो ये हो जाएगा एफ माइनस 16 इज इक्वल टू 4 × 520. F is equal to 20 plus 16, 36 न्यूटन. 36 न्यूटन का फोर्स मैं उस पे लगा सकता हूं. क्या सबको इतनी बात समझ में आई भैया? एवरीबडी 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 क्लियर है? यस नो? कम ऑन. यस सर. यस सर. अब मैं इसके ऊपर जीरो का फोर्स लगाऊ, यस, तो भी वो साथ चलेंगे. 10 न्यूटन का लगाऊ तो भी साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन कुछ और रहेगा. 50 न्यूटन का लगाओ तो साथ नहीं चलेंगे, तो ये आगे खिसक जाएगा और ये पीछे रह जाएगा. उन्होंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ फोर्सेस, तो F लेस देन 36 न्यूटन, मतलब 0 से लेकर के 36, है ना. यस यस एवरीबडी क्लियर है क्या? पक्का? yes. पक्का पक्का यस सर. नहीं, जीरो से 36 नहीं हो सकता, मैंने पिछले में भी वो कट कर दिया था, है ना. जीरो से 30 नहीं होगा, मैंने पिछले में भी कट कर दिया था. अब देखो मेरी बात मानो बच्चों, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं 6 newton का, ध्यान दो ध्यान दो. यस, ये है 4 वाला, ये है कितना 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 2 वाला. मैं इस पे फोर्स लगाता हूं 6 newton का, क्या वो ब्लॉक्स मूव करेंगे? है ना.
मैं इस पे फोर्स लगाता हूं 6 न्यूटन का, तो ग्राउंड इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगा देगा, हाँ कि नहीं? तो यहां पर ये तो रेस्ट पे ही रहेगा, दे विल नॉट मूव, है ना। सो फ्रॉम 0 न्यूटन टू 6 न्यूटन द ब्लॉक्स विल नॉट मूव, विल नॉट मूव, मूव ही नहीं करेंगे। यस, हमको उसको मूव कराना है 6 न्यूटन से लेकर के 36 न्यूटन तक, दे विल मूव टूगेदर, दे विल मूव टूगेदर। बोलो बात समझ में आई? एवरीबडी बात समझ में आई? पक्का है ना? 0 से 6 न्यूटन तक बच्चों वो मूव नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? अरे 6 न्यूटन का तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ग्राउंड लगा देगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ ग्राउंड खींच लेगा, जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, खेल खत्म। 2 न्यूटन ग्राउंड पीछे खींच लेगा, अप टू 6 न्यूटन द ब्लॉक्स विल नॉट मूव, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच बोथ विल मूव टूगेदर। तो बच्चों रेंज ऑफ फोर्स इज यस लेस देन इक्वल टू 36 एंड ग्रेटर देन 6, है ना। 6 से बड़ा फोर्स होना चाहिए और 36 तक वो दोनों एक साथ मूव करेंगे। यस, अब आ जाओ पिछले सवाल में। पिछले सवाल में लेस देन इक्वल टू 30, यस, और ये तो फ्रिक्शन लेस है, मतलब ये तो जीरो फ्रिक्शन ऑफर करेगा, इसलिए मैं यहां 0 से बड़ा लिख सकता हूं। क्या सबको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग अबाउट इट? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन।